Assalamualaikum, ji. Welcome back to another episode of Kya Kya, Kya Kazi. My guest today was Abid Salim. Abid Salim is a storied photographer. We get to speaking about how he tried his hand at acting, how he's risen through the ranks as a photographer, how he does not really understand the need for a categorization between the different kinds of photographies, how he's been brave, and how fortune has been kind to him. Alhamdulillah. Enjoy. <music> थ्री टू वन आबिद सलीम कैसा आबिद भाई ग्रेट थैंक यू सो मच मुझे ऐसा लगा कि आपने बटन दबाया और हाँ, अब, गया। अब, <laughs> अब, 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 जो है ना रेड लाइटें आ गई हर जगह ये बात आई रियली वॉन्टेड स्पीक अबाउट दिस ऑन द पॉडकास्ट आप बात करते थे कैटेगरीज की माशरे में कैटेगरीज हो गई प्लीज लेट्स स्टार्ट दै ओके देखिए जी कैटेगरीज हो गई हैं ए बी एंड सी तीन कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया कि यार अगर ये एक बंदा होगा इसको हमने इस तरह से टैकल करना है और इसमें बहुत एटीट्यूड रहेगा यू नो और वही कैटेगरीज कितनी कितनी बड़ी कैटेगरी होगी वो हार्डली कोई पाँच सात परसेंट की होगी सही एक भी कैटेगरी होगी जिसमें से थोड़ा सा वो एक नेचुरल स्टाइल हाँ। और थोड़ा सा यू नो अपना पब्लिक तक पहुंचेगा तो भी कैटेगरी होगी एक सी कैटेगरी है सी कैटेगरी में ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट से अबव लोग होते हैं जो अपने आप को एग्जैक्टली exactly वही देखना चाहते हैं कि यार मैं देखूं कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये जो बंदा कर रहा है इस बंदे ने जो पास में किया है वो हमारे मैं कर सकता हूँ अगर उसको वो उसमें देख रही होंगी ना तो काजी वो आपको सुनेगा अदरवाइज वो नहीं सुनेगा सही। तो मैं इस categories को पाकिस्तान में जब आप डिवाइड करते हो ना तो फिर आपको स्ट्रेट अवे सी कैटेगरी पे जाना है फिर आप उन ए और बी कैटेगरी में अपने आप को मत ढाले अगर आप नहीं जाते नहीं। कि नहीं जी एक्चुअली यू नो यू दैट वो नहीं करें आप। नहीं। आपको अगर मासिस तक जाना है अपनी फैन फॉलोइंग्स अपने काम को काम को अच्छा करें देखिए सी ए बी सी कुछ नहीं होता लेकिन यहाँ पर लोगों ने डिवाइड कर दिया तो इसलिए मैं कहता कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है सही सही फेर भाई आ, मतलब आई डोंट नो हु नीड्स योर इंट्रोडक्शन लेकिन यू आर अ फोटोग्राफर लेट्स जस्ट से यू आर अ फोटोग्राफर बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल <laughs> <laughs> क्योंकि मैं जो है ना मस्ती ठीक इसलिए करता हूँ क्योंकि अब देखिए अगर इफ़ दे ग्लिक ऑन योर नेम दे नो हु यू आर मतलब मेरे लिए तो कोई नहीं आ रहा ना यहाँ पे तो Uh, i think that's why i have this running joke with my audience that i don't usually introduce i say aap se pehle aap do podcast pehle nabi lagbar aaya tha okay nabi lagbar is a very famous rapper right I, I just said 3 2 1 nabi lagbar and i introduce him. <laughs> <laughs> so but i would love for you to start at the start how did you get into photography yaar देखो कासिम बताऊँ कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कि यार मुझे मिल जाए ठीक है कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ था कि वो किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं हाँ। और वो सोना हो जाता है सही तो आई थिंक अलहमदल अलहमद मैं उनमें से कैटेगरी या के ब्लेट अल्लाह का करम मुझ पर माशा माशा स्टार्टिंग से लेके अब तक क्योंकि वो आबिद सलीम जो कभी किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया हाँ. वो आबिद सलीम जिसने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया लाइफ में तो आप कैसे एक्सेप्ट uh, कर सकते हो कि यार वो माशा इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी तमाम लोगों के साथ काम करो देटोर देखो इसमें मेरा ये बिलीव है कि अगर आप में हार्ड वर्किंग hmm? पैशनेट hmm? और सबसे बड़ी चीज़ आपकी ज़बान अगर आपका एटीट्यूड नहीं है और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं तो बहुत सी चीज़ों पे आप देखोगे कि लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे थोड़ी सी चीज़ ऊँची नीची भी है तो लोग कॉम्प्रोमाइज करके आपको आपके रिजल्ट्स देंगे आपकी ज़बान की वजह से exactly. देखो अगर आप नहीं अच्छे मेरा स्टाइल सबको पता है कि आई एम वेरी लाइवली वेरी फ्रेंडली मेरी बी टी एस देखें मेरे इंस्टाग्राम पर जाए तो मैं तो डांस कर रहा होता हूँ और मेरा एक स्टाइल ये कि अगर आप जैसे भी हैं मुझे वैसे ही बनना है अगर आप वैसे हैं एडिट तो मैं आपके साथ एडिट दूंगा ठीक है अगर आप मेरे एम्ब्यांस पे आ गए और मेरी शूट पे आप आ गए hmm. इट्स मीन कि अगर आपका स्टाइल नहीं था फ्रेंडली तो आपको होना पड़ेगा क्यों होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास से मुझे yeah. वो एक्सप्रेशन चाहिए सही देखो आई थिंक एटीट्यूड लोग वही देते हैं जो uh, थोड़े परेशान होते हैं डरे दर, हुए होते हैं डिफेंसेंस ना डिफेंसिव होते हैं डिफेंस मेकेजम्स एंड ऑल थिंग्स आई थिंक अगर जिसके फ्रॉम आई हैव सीन इन योर बी टी एस इंस्टाग्राम जो है um, देखो होता क्या जब आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह इंडस्ट्री में टाइम दे देते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे ऑलमोस्ट 32 33 इयर्स हो गए इंडस्ट्री के अंदर मैं तो माशाल्लाह उस दौर का जब नेगेटिव और ट्रांसपेरेंसी पे हम लोग काम करते थे एनालॉग्स नो डिजिटल यार मैंने आई थिंक मैट्रिक जब किया और मैट्रिक हाँ मैट्रिक करने के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं गया हूँ तो एक्सीडेंटल एक शूट किया है मैंने ऐसी मजाक में मूड में हॉबी में या ऐसी जुनूनी हाँ। उन्नीस साल के हो गया उन्नीस तो वो शूट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और वो कैसे हुआ जबकि मुझे नहीं पता था क्या करना है यार मैं जिस एरिया में रहता था, था ना पहले तारे गोट पर वहाँ बड़ी इंडस्ट्री के लोग ठीक है इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हमारे शोबिस के लोग लाइक सिंगर और दूसरे एक्टर्स यू नो वहाँ पर काफी लोग बैठे हुए होते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं और साथ साथ गप्पे मार रहे हैं बिना बात कर रहे हैं टीवी की और ड्रामों की और आ, हम लोग खेलते भी साथ थे क्रिकेट भी साथ खेलते थे तो मिस्टर बर्गर एक बड़ा फेमस स्पॉट होता था हम लोगों का हम लोग वहाँ बैठे हुए होते थे सही। और दिन में हमने क्रिकेट खेली शाम में चाय पी रहे हैं बर्गर खा रहे हैं और चट चैट कर रहे हैं जस्ट एंजॉइंग तो वहाँ पर ना हमारे कुछ मॉडल दोस्त थे बहुत अच्छे अच्छा तो आपको पता जवानी एक ना दीवानी होती है तो जवान तो उस जवानी में हमें ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था यार ये जो लड़का है ना हाँ। ये जब मैगजीन में आ रहा है तो हम क्यों नहीं आ सकते राइट right, okay. तो मुझे Fair. हर इंसान पता है काजी वो चाहता है कि एक्टर बने फेम होने का फे, असल में पता है एक्टिंग का क्रेज नहीं होता नहीं। उसको होता है फेम होने का पॉपुलर हो जाए हर आदमी उसको जाने और उसकी जो है वो आ, आ, लोग जाते थे उसको पर, मतलब कि यार ये या वो जा रहा है ये वो जा रहा है तो अगर प्रोमिनेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें प्रामिनट हो बंदा, हाँ, उस, उस, उसकी बात वजन रखे एक्जैक्टली exactly. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तो उनमें से मैं भी एक था कि यार हम एक ऐसी चीज़ करते हैं जहाँ से हम अपने आप को मनवाएं और एक्टिंग क्योंकि एक्टिंग बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है बहुत ही मुश्किल क्योंकि मैं ये बताऊँ मैं आज भी जिन लोगों को शूट करता हूँ बेशक वो उस जमाने में एक्टर्स हों या आज एक्टिंग हाँ. कर रही हूँ मैं उनको सलूट करता हूँ यार क्योंकि आ, बहुत अगर शो में सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो एक्टिंग है एक्टिंग है या मेरी मेरा मेरा ये बिलीव है ओके okay. देखो द सीन लोग बेशक वो फोटोग्राफर्स हों डायरेक्टर्स हों प्रोड्यूसर्स हों लर्निंग करके यू नो मेनिपलेशन करके वो सब चीज़ें आप बना लेते हो कर लेते हो हाँ. लेकिन जो एक्टिंग होती है ना वो ऑन स्पॉट पर डिलीवर करना होता है जब आपने डिलीवर नहीं किया आपके को स्टार्स आपके साथ खड़े हुए हैं यू नो और को स्टार्स आपके सीनियर्स हैं आप जूनियर्स जस्ट बिलीव क्या आप देखो क्या होगा उसके साथ अगर आप जूनियर हो और वो को स्टार जो है वो सीनियर है और आप लाइंस भूल रहे हो बार बार एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा फिर क्या होगा फिर कुछ भी नहीं होगा फिर ये होगा कि वो गुस्से में आपको देखेगा और आपको जो बेचारे को दो लाइनें आती थी वो भी भूल जाओगे तो इसीलिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ एक्ट्रेस मेरी नज़र में इस फील्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है डू यू थिंक एनी वन कैन बिकम एन एक्टर नो नेवर ओके एक्टर नहीं है देखो मॉडल बन सकता है ओके एक्टिंग डिफिकल्ट है क्योंकि मॉडल mm. में आपको बोलना नहीं पड़ता सही ठीक है ना वो सही, आप पोस्ट करेंगे खूबसूरत गुड लुकिंग होंगे हाँ. आप दस दफा पोर्टफोलियो बनाया कैजुअल पिक्चर्स बनाई तो आप आराम से यार काजी मॉडल बन सकते हैं mm. आपको मॉडल पता अलग से दिखता है okay. आप मेरे सामने बैठे यो माशाल्लाह परफेक्ट मॉडल करेगा सीरियसली बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के बाद आपको मैं एक पोर्टफोलियो शूट करता हूँ अच्छा 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 सही है सो यू आर सेग बट एवरी वन मतलब बिकॉज आखिर में वही प्रोमिनंस की बात हुई और विल गो बैक टू योर स्टोरी इन जस्ट मिनट हर किसी का ख्वाब ही होता है कि यार कोई फवाद हो कोई मायरा हो इनके इस लेवल की प्रोमिनंस होनी एवरी वन वांट्स दिस राइट यू आर सेग एवरी वन कैन हैव दैट या देखो मैं बताऊँ फवाद मायरा बहुत रेयर होते हैं हाँ आई थिंक हम, हम उन पर जितना ज़्यादा उनके ऊपर हम यू uh, नो you know, uh, क्या कहते हैं उसको कि आ, अपने आप को मॉडल करें उनके ऊपर उनको नहीं उनको हम अप्रिशिएट करें वो कम है अच्छा ओके हाँ इसलिए कम है क्योंकि उन्होंने इंडो पाक के स्टार्स हैं वो उस दूसरे मुल्क में जाके परफॉर्म किया है जहाँ हर कोई नहीं कर सकता यू नो you know, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी कि यार ये पाकिस्तान से आया हुआ है ये इंडिया से आया हुआ है नहीं अच्छा इंडिया अच्छा पता ये अच्छा है इंडियन जब आते हैं तो हम उनको अपने शोल्डर्स पे रखते हैं यू नो हम उनको क्योंकि वो एक बड़ी इंडस्ट्री है सही यार वाकई में है बड़ी इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म हाँ, है, है। उधर क्योंकि आपको पता है कि मैं जब हम इंटरनेशनल शूट्स करते हैं इंडियन स्टार्स के साथ बैंकॉक में यू यू बीन या वर्कड विद अ लॉट ऑफ देम एज़ वेल जी जी बिल्कुल 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 तो काजी मैं जब उनके साथ करता हूं तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता ही है कि मैंने जब ये सोचा कि यार

हाँ। फोटोग्राफर को बेचारा वो टैलेंट दिया जाता है अब आप इसमें से एक्सप्रेशन निकाले वो वाले जब ये सुबह दस बजे आया था जो तो बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये हो जाए हाँ, हो जाए हाँ। मैनेज और क्योंकि अगर आपका एनर्जी लेवल होगा तो मैनेज हो सकता है मैनेज तो हो सकता है लेकिन आपका इंडिया में इंडियन स्टार्स के साथ एक्सपीरियंस ही बिल्कुल फर्क था यार पता है हो सकता है कि फ़र्क इसलिए हुआ कि हमने आउट ऑफ कंट्री काम किया है इंडिया में इंडियन एक्ट्रेस नहीं थे पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स नहीं थे हुँ. मैं अगर यू में था या मैं बैंकॉक में था तो वो लोग वहाँ आके शूट किया वो हुँ. भी दूसरे शहर में आए हुए हैं दूसरे मुल्क में सॉरी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं उन्होंने माना कि शूट किया तो जब वो एक टाइम कैलकुलेटेड होता है उनके हिसाब से होता है कि दस घंटे की शिफ्ट है ग्यारह घंटे प्रोड्यूसर के लिए जान लेवा होता है सही <laughs> सही सही ना उनकी दिल्कुल, खाली काम 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 पे 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 शुरू हो जाती दिल्कुल, है है काम पे, काम पे होती तो वो वाली चीजें होनी शुरू हो जाती है तो उन्होंने मुझे बोला कि आबिद आपके साथ जब मैंने इंडियन प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान के अलावा मैंने इंडिया के लिए भी प्रोजेक्ट्स किए तो यार मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे प्रोड्यूसर रात में कॉल करता कि यार आबिद मैं बैंकॉक में ही था कि इंडियन एक प्रोडक्ट है उसकी अपनी शूट करनी है और हम आपको कल सुबह पिक करेंगे मैंने कहा कर, ठीक है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी शूट्स बाहर होते थे सुबह छः बजे की कॉल टाइम होती थी और हम लोग गाड़ी आती थी हम निकल जाते थे और सुबह छः बजे शुरू होकर हम रात दस बजे वापस आते थे तो मैंने कहा टाइम बताया यार तो मुझे बोला कि आपको गाड़ी पिक करेगी दोपहर बारह बजे मैंने कहा बारह बजे मैंने कहा तो मतलब शूट है तो क्या हाँ टी शूट है लेकिन आपका टाइम बारह बजे का है मैंने कहा बजे गाड़ी आती है घंटे की लंबी के बाद मैं पर हूं, कितना एक एक गया। गया। मैं कितना बज गए जैसे दस मिनट के लिए मुझे प्रोड्यूसर बोलता है अपने अप क्या क्या पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता ना हमारे ऐसे होता है मैंने कहा यार चलो ये कह रहा है तो कर ही लेते हमारे बैनिटन फिल्म था बैंकॉक में तो उसने मुझे बोला आबिश भाई वन थर्टी आपका शूट स्टार्ट होगा और दो बजे ख़त्म हो जाएगा दो बज के एक मिनट पर आप शूट नहीं कर सकते मैंने ए, एक बजे तो पहुँचे थे आप। यही तो बात है आई एम शॉफ्ट मैंने कहा अच्छा ठीक है यार वो आ, एक परफ्यूम का शॉट था तो उसके बाद ना वो एक माचो मैन मॉडल एक इंडियन मॉडल हम आउटडोर एक अच्छे डेजर्ट वाली जगह पे शूट कर रहे थे तो मैंने वो सामान वामान मेरे एडी वहाँ के थे थाई एडीज़ थे उन्होंने निकाला सामान रेडी किया सब कुछ किया वन थर्टी एग्जैक्टली डायरेक्टर की कॉल आती है कि तमाम क्रू विद प्रोडक्शन टीम और लाइटिंग सिस्टम के साथ और प्लस स्टिल फोटोग्राफी की लाइटिंग वो आबद सलीम के साथ अटैचड हैं और दो बजे तक इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जस्ट फॉर एवरीर ये कितना आदमी होता है यार ये आदमी ऑलमोस्ट आप समझ जाएँ कोई थर्टी 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 फाइव आदमी थर्टी फाइव आदमी जस्टन रिसोर्स एंड हाउ मैनी जो आपके बिल्कुल बैक कॉल और आप बोलेंगे मुझे ये यहाँ से यूं कर दें ये यहाँ से यू कर दें आपको रॉजर बोलेगा वो ओके सर रेडी देखिए और मॉडल इतने प्रो होते हैं काजी कि जब मैंने 130 स्टार्ट किया आई थिंक 150 मुझे मेरे केवीज केवीज की विजुअल्स जो हमारे होते हैं जो हमारे आउटडोर होर्डिंग्स पे प्रिंट होते हैं उनको वो मिल गया था आ, उन्होंने कहा आबिद हमें सारे शॉट्स मिल गए इंडियन आई हाँ। डायरेक्ट तो मुझे कहा मुझे सारे शॉट्स मिल गए नो नीड फॉर दिस अब हम आते हैं यहाँ से रैप कर देते हैं हाँ मैं उसको देख रहा हूँ हो गया <laughs> अच्छा च्छा, 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 च्छा हो गया हाँ। <laughs> तो मैंने कहा हाँ यार हो गया हाँ। तो उसने फिर जी हमारा स्टेल्स का रैप करवा दिया फिर मुझे बोला जी आप आप लंच करें और लंच करें और अपना सामान पैकअप करें मैंने कहा अच्छा सामान पैकअप मतलब मैं उसने वैसे ही कह रहा होगा कुछ मैंने जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि पता पाकिस्तान में आप मजदूर होते हैं बेसिकली आप द्यारी लगाने यू एन एक्सपेंसिव मजदूर या तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि यार आप जो है पैकअप करें और आ, फिर आपसे बात करते हैं अच्छा मैंने जब देखा कि उनका टीवीसी दोबारा स्टार्ट हो गया कमर्शियल जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गया और बड़ा अच्छा शॉट था वो बंदा ना माचो मैं तो बताया ना कि वो लोकेशन खूबसूरत बन ना रनिंग करते हुए एक बहुत मज़ेदार शॉट था जो हाई स्पीड हम क्रेजी मुझे इस तरह के शॉट पसंद है बहुत ज़्यादा लोकेशन कूल मॉडल ज़बरदस्त मैंने कहा इसको तो कैप्चर करना ही करना है लाजमी मैंने कैमरा निकाला और मैं कैप्चर करने लगा शुरू जैसे ही मैं शुरू हुआ पीछे से वो मेरे पास प्रोडक्शन टीम और आर्ट डायरेक्टर मेरे पास आ गया अभी ये क्या कर रहे हैं आप मैंने कहा यार मैं शॉर्ट ले रहा हूँ आपको केवी रनिंग फोटोग्राफी नहीं करवानी भाई नो नो नीट बस क्लाइंट को हमने केवीज बेचा दैट सेट उनको हम ख़राब तो नहीं करना उनका <laughs> okay. बताऊ काजी हाँ. दो बजे के बाद जब उसने कहा अबिद भाई आप थाई फूड खाएं जो मैं क्रेजी हूँ हाँ, yeah, yeah. sure. मैंने वो खाया मेरा सामान रैप हुआ गाड़ी मेरे पास आई आप होटल जाए सर डन डन सर मैं एक घंटे के बाद तकरीबन दो घंटे में मैं और एक शूट में नहीं है मेरे साथ तीन से चार शूट बैक टू हैव यू एवर एव दैट मच मनी इन टू आवर्स

कि यार ये आ, कब 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 टैलेंट इनको मिलेगा, right. कब सेट रेडी रेडी होगा, कब लाइटिंग होगी, कब आपका साथ देगा यू नो बहुत दफा सही, नहीं होता ये सब चीजें सही, सही, okay. कॉपोरेशन जीरो होती है, यू okay, नो you know, okay. और okay. आपको अपना काम निकालना होता है अच्छा मैं कहता हूँ कि वो जस्टिफाई भी है और जब वो शूट कर रहे होते हम बीच में हमें क्लाइंट पुस्ट करता है आगे भाई आगे भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए वाह भी चाहिए डिजिटल डिजिटल के नाम से इन्होंने काम को बहुत बढ़ा दिया ठीक है जो बिल्कुल ठीक है है क्योंकि मैं बताऊँ वो कहीं पर लगता भी नहीं है जब आप आई एस सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड पर शूट करेंगे तो आपका रिजल्ट्स क्या होगा फुल नॉइजर्स तो वो आपको पुश करते हैं और डी जितने टीवी के हैं वो बहुत लो लाइट्स पे काम करते हैं

इज डार्क और साथ आपने इस लाइट के साथ अपने लाइट को मैच कर दिया लाइट के साथ आपने अपने सब्जेक्ट को मैच कर दिया। और डी ओ पी ज्यादातर इस तरह का गेम करते हैं क्योंकि घर का एक नेचुरल माहौल मिले तो बहुत अच्छी लाइटिंग है जो बहुत अच्छा खूबसूरत है लेकिन उसमें आप फोटोग्राफर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि फोटोग्राफर बैठे हुए उनको बोलेंगे हाँ भाई आप इसमें शूट करें कैसे कर सकते हैं अगर आप भी काम कर रहे हो अपर्चर पे तब भी आई आपको कोई थर्टी टू हंड्रेड और सिक्सटी फोर हंड्रेड पर जाना पड़ेगा और उसके बाद अगर आपके पास तीन सब्जेक्ट्स हैं चार सब्जेक्ट्स हैं तो आप लास्ट में दो या एक को आउट ऑफ फोकस करोगे करना पड़ेगा क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड है ना आपका यहाँ बैठे हुए मैं, मैं यहाँ बैठा हुआ तो एक बंदा फोकस एक डिफोकस तो ऐसी पिक्चर्स का क्या फ़ायदा जो टेक्निकल स्ट्रांग ना हो बिल्कुल ऐसा ही है भाई इसी टेक्निकलिटी से वापस चलते हैं टू वैच योर स्टोरी आपके मॉडल दोस्त भी होते थे एंड यू बताया कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ yeah, right. uh, उसका नाम वहाँ है, उससे मैं बात करता हूँ हाँ। कैमरा के थ्रू बट uh, वो ना देखता रहता था तो ईजी होता था आई जस्ट टॉक टू द गेस्ट बट अब क्योंकि मैं खुद uh, सब कुछ करता हूँ हाँ। तो कभी कभी मुझे वहम होता है कि यार अब इतनी सारी बातें हो गई हैं लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा था या नहीं हो रहा था आई डोंट लाइक दैट पर हाँ सो यू आर सेंग यू है माइक थोड़ा प्लीज आविद भाई करीब भैया सॉरी बहुत अच्छा गया शानदार ओके गुड गुड बहुत खूबसूरत मतलब हीरो लग रहे हैं आप माशाल्लाह से लव यू <laughs> <laughs> सही है फिर क्या होता है अच्छा ठीक है तो मैंने कहा यार मुझे भी करना है कहते हैं यार आप मॉडल नहीं बन सकते स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ द बैट बैक मैंने कहा कैसे नहीं बन सकते हैं? हाँ. यार वो बड़ा एक यू नो बड़ा गेम होता है बड़ी प्यार बनानी पड़ती है okay. मैंने कहा मैंने कहा एक फेवर कर दे भाई हुँ. दोस्त बहुत अच्छा था रात में जब हम सब बैठते हैं चाय शाय पीते हैं खाना वाना खाते हैं मैंने कहा एक फेवर चाहिए हाँ. ज़रूर चाहिए यहाँ तक क्या चाहिए मैंने कहा एक फेवर चाहिए कि तेरा कल शूट है मुझे ले जा मैं पीछे से शूट देखना चाहता हूँ कैसे हो रहा है हाँ तो उस बेचारे को तरस आ गया सही है सही है सही मैंने है। कहा चलो ठीक है कल मेरे साथ चल रहा लेकिन लेकिन दूरी बैठना किसी फोटोग्राफर को कुछ नहीं कहना हाँ। मैंने कहा रॉजर हाँ मैं नहीं बोलूँगा तो मैं चला गया उस भाई के साथ और जब पहुँचता हूँ तो एक फोटोग्राफ़र एक कैमरा एक फोटोग्राफ़र है उसके हाथ में सिर्फ एक कैमरा है और एक ये नया मॉडल्ड है इसने चार शर्टें पहनी हैं शुरा का और उसने आउटडोर्स में ना मोहट्टा पैलेस पे था ठीक uh, uh, 93? Yeah, 93. 93, yeah. है okay, ये किस किस चीज़ का शूट था बता सकते यार ये, ये मैग का शूट था। wow. मैग में मेल ऑर्डर शूट था okay. जो लड़कों का एक अलग मेल ऑर्डर आता था एक फैशन सिग्नल फीमेल्स के लिए होता। okay. Okay. तो मैं बड़ा इंप्रेस हो रहा मैंने कहा यार ये ऐसे शूट होता है हम जो मैगजीस में देखते हमने कहा पता नहीं कितनी लवाजमात होंगे हाँ। कैसे शूट होता होगा ये तो एक फोटोग्राफर आया उसने ठक ठक क्लिक किया और तेरी जो है वो तस्वीरें हंसी हाँ। आ गई तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ <laughs> 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 पागल हो गया क्या <laughs> ये तू तो भी कैसे मैंने कहा मैं कर सकता हूँ okay. मैंने कहा ऐसा जैसा उसने किया ऐसा तो मैं कर सकता हूँ कहता पॉसिबल ही नहीं है okay. मैं चला गया रात गई बात गई पता नहीं एक हफ्ते बाद मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने फादर से पूछा बाबा कोई कैमरा शमरा आपके पास है तो वो बड़े अच्छे क्योंकि यार मैं खानदान में ना कोई हमारा शोभिस के अंदर नहीं है कोई फोटोग्राफर नहीं है कोई एक्टर नहीं।, नहीं है दे ऑल वेरी कन्वेंशनल जी हाँ, बिल्कुल के भाई ये नहीं आना इधर नहीं आना उधर हाँ, जाना हाँ। तो वो वाला सीन था मेरे फादर जी एम माशाल्लाह आदम जीते तो मैंने कहा बाबा आपके पास कोई कैमरा क्योंकि वो उनको शौक बहुत था

मुझे उन्होंने दिया कौन सा था ये इलेक्ट्रो uh, 35 याशिका okay. इलेक्ट्रो 35 ओके okay. अब कैमरा तो मेरे पास आ गया अब हाँ। मैं क्या करूं <laughs> तो रोल, कर भी <laughs> रोल भी डालना नहीं आता <laughs> रोल भी नहीं डालना आता मुझे <laughs> अब मैंने कहा मैं क्या करूं अच्छा अब मैं हमारे ना मिस्टर बर्ग के सामने कोनी का लैब होती थी ओके okay. वेरी फेमस ओके okay. मैं उसके पास गया मैंने कहा यार भैया ये मैं अच्छा अब कुछ भी नहीं है आप और लेकिन आप बड़े प्राउडली बोल रहे हैं मैं कल शूट कर रहा हूँ होता है ना जैसे होता है यार मैं कल शूट पे जा रहा हूँ आज के बच्चे होते हैं ना आ, दो भाई मैं कल शूट पे जा रहा हूँ अच्छा जी जा रहे हो तो बच्चे जला जा भाई आ, मुझे क्या बता रहा है आ, मैंने भी ये बोला यार मैं कल शूट कर रहा हूँ जरा इसमें रोल डाल दे तो नेगेटिव को रोल डालते तो मैंने जब उसको ये बोला तो मुझे बोलता है कि भैया नेगेटिव नहीं डालता जब आप शूट कर रहे हो किसी मैगजीन में प्रिंट करना है तो वो ट्रांसपेरेंसीज होती है मैंने कहा वो क्या होता है ट्रांसपेरेंसीज मुझे तो नहीं पता ये भी नहीं पता कहते भैया वो डिजिटल के कलर नेगेटिव्स होते हैं ओके okay. वो मैगजीन में प्रिंट होते हैं फिर वो स्कैन होते हैं मैंने स्कैन क्या होता है भैया मतलब आप बिल्कुल जब रॉ होते हो ना काजी आपको आ, कुछ नहीं पता होता आ, जब आप बिल्कुल मैट्रिक करके निकलते हो और आ, शौक या कैमरे में रोल डलवाने के लिए किसी कोने का शॉप पे या एक शॉप शॉप पे पे या फील्ड एक चीज़ मैं आपको अभी भी बताऊँ सो लॉन्ग लॉन्गो बट स्टिल देर वॉज एक दिस एटीट्यूड टू लर्न आपको शर्म नहीं आई एक मिनट के लिए भी कि यार मैं इसे नहीं पूछूं नो no वे काम करना देखो काम करना था ना देखो हाँ। काजी होता क्या है जब आप इस तरह के एम्ब्यास पे काम करते हो ना आपको नहीं पता आप सीख रहे हो लैंडिंग सीख रहे हो ठीक है भाई कर दे यार तू डाल दे हाँ प्लीज़ आप हाँ। मैंने कहा ओके okay, डाल दिया उसने शूट डाल दिया फिर मैंने वो कैमरा लिया मैंने कहा यार इसको आप ऑटो पे लगा दें ओके मुझे नहीं पता ना कि कैमरे की सेटिंग्स क्या करनी है क्या करना उसने उसको ऑटो पे लगा दिया अब मैं तो आ गया मैंने उसी बॉय को जिस बॉय को उन्होंने लिया था उसी बॉय को मैंने मंसूर एक बार मिस मॉडल था उसको मैंने ले लिया खूबसूरत आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में खूबसूरत लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया खूबसूरत भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हाँ, मतलब आप अगर खूबसूरत है ना आप पाकिस्तान में सेवेंटी परसेंट लीड कर गए मतलब गोरे हुए गोरे हुए लंबे हुए यू नो अच्छे हुए बेचारों को जो है ना नीचे थोड़े डार्क कलर्स वालों को थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जो जो बात है वो है आप आप क्या कर सकते हो तो असल में फिर उसने मुझे मैंने कहा यार मंसूर कपड़े कपड़े कहाँ से ले यार फिर डॉलमिन सेंटर सामने होता था हमारे अच्छा मैं वहाँ चला गया मैंने कहा यार शर्टें वर्टें दे दो मुझे हाँ। और तुम्हारा मैग में शूट प्रिंट करो देखो कॉन्फिडेंट का लेवल चेक करें कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप अपने आप को हीरो समझ गए उसी वक्त जी यार आप आप देखें जी मैं आपका मैग में शूट प्रिंट कर रहा हूँ

जब आप सेवन सेवन ह्यूज साइज सबसे बड़े के होते थे ए थ्री आई थिंक उसमें आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती थी आप बड़ा इंस्पायर्ड होते थे कि यार देखे जी हम वो बंदे ही अलग होते थे यार साजी सही, सही, सही। मैं बताऊं क्योंकि उस पर मैगजीन बहुत काम थे आप प्रिंट हो गए आप एक बन गए टाइकॉन्स इंडस्ट्री आ, के अदरवाइज अब आप सोशल मीडिया पे तो अपनी तस्वीरें खुद ब खुद खींचे सेल्फियां लगाते रहे उस टाइम भी लगाइए इस टाइम लगाइए ईजी हो गया यार तो मैंने कहा यार मैग okay, में आएगा आपका मैंने कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें हाँ मैग में आएगा अच्छा हाँ। अब एज ऐसी टीन एजर से आप थोड़े से बढ़ते हैं ठीक है ना टीन एजर हाँ। लाइफ से थोड़े से बढ़ गए अब ऑटो पे लगा दिए किस्मत ने मेरा साथ उस वक्त पहला दिया <laughs> कि संडे का दिन था हाँ। हम बी बी सी सी आई की बिल्डिंग चले गए अल्फला की बिल्डिंग है ना जो शीशे की पूरी एक बड़ी बिल्डिंग मैंने वो शर्ट्स और वो एक ब्रीफ केस और वो कुछ ऑफिस की थीम रखी हुई थी थीम एक मैंने बना ली थी कॉस्मो से देख के ना नहीं, नहीं। अब वहाँ पहुँचाऊँ और किस्मत धनी हो गई कि उस दिन पूरा क्लाउडी वेदर था सो इट वाज डिफ्यूज डिफ्यूज लाइट लाइट या सॉफ्ट नो आंखों के नीचे कुछ भी नहीं था किस्मत मेहरबान थी ना आ, अब हम वहाँ पहुंचे और उसको मैंने ना अपनी टांगों के उसकी टांगों के नीचे लेट के अपने लो एंगल शॉट्स के साथ ऑटो तो पे लगा हुआ कैमरा उसके क्योंकि मॉडल तो था वो वह बहुत अच्छा अच्छा मॉडल था पोजेस लाइज से बहुत इंग्लिश मॉडल था तो उसने अच्छे अच्छे पोजेस दिए और मैंने नीचे सारे नीचे देख के सारे शॉर्ट ले लिया बिल्डिंग ऊपर से आसमान ब्लू दिख रहा है शीशे हाँ। की बिल्डिंग सारी खूबसूरत है इंगे ले, शॉर्ट्स लग रहे टेक्निकली जीरो अच्छा <laughs> <laughs> वो पिक्चर जब आई तो हमने जब ट्रांसपेरेंसी खोल के देखी तो यार मैंने कहा ये मैंने किया क्योंकि ऑटो तो हाँ क्लाउडी वेदर था तो अच्छा लगा देख पिक्चर्स देखने में बहुत अच्छा लगा अब मैग में प्रिंट करना है वो कैसे करें भाई अब ये चैलेंजिंग हो गया कि यार इसको हम कैसे करें अब मुझे कहा कि यार मैग में दे के चले जाएँ इसको तो मैग में पहुँचाऊँ और जैसे मैग के रिसेप्शन पे नीचे पहुँचाऊँ तो काम पे टाँगने लग गई ना जी बिल्कुल काम पे होती है ना तो बहुत टांगती है वो टांगने लगी इसलिए टाँगने लगी क्योंकि वो मुझे मुझे बताया कि यार वो जो मेल ऑर्डर छापती है ना वो एक फ़ीमेल है आ, और फीमेल आपको पता उस ज़माने में किसी का नाम आ जाए तो वैसी हाँ। शरा मोजी exactly. दूसरा था। हाँ। सही, सही। तो, आ, फिर मैं बड़ी मुश्किल से उससे टाइम लिया मैंने कहा मुझे पाँच मिनट दें हाँ। मैं आपको एक शूट दिखाता हूँ हाँ। और आपको अच्छा लगे प्रिंट कर देना ना लगे तो आप इसको डिस्कार्ड कर देना हाँ। सिंपल है हाँ। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया उसने जमीना खेल जी मेरी फर्स्ट मैंटोर मतलब जिसने मुझे इन किया और मुझे कहा कि आबिद मैक्सिमम वर्किंग करो अच्छी शूट्स होंगे मैं तो प्रिंट करूंगी हयात है बिल्कुल माशाल्लाह होंगी क्योंकि जमीना जी थैंक यू और... थैंक यू यू सलीम बसम तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे शूट देखा और यूँ रख दिया मुझे बोलती अभी मैं बहुत बिजी हूँ अभी मैं स्कैनिंग करवा रही हूँ ड्राम स्कैनिंग के लिए पिक्चर्स डिज़ाइन करवा रही हूँ तो आप एक हफ़्ते बाद मुझसे पूछेगा ओके okay. कि ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा मैंने कहा कि फैन ठीक है एक हफ़्ता के बाद मुझे जो पूछना था पूछा तो नहीं मैंने मैक देखा तो मैक के अंदर मेरा शूट प्रिंट हुआ हुआ था हुआ हुआ प्रिंट

हाँ थी गलतियाँ थी <coughs> इसलिए क्योंकि जब आपका क्लाउडी वेदर तो ऑब्वियसली एक कास्ट शीशे की ब्लू कास्ट फैब्रिक पे आ रही तो हमें आज पता चलता ना जब हम सीख गए पढ़ लिया कि हाँ। वो क्या टेक्निकल एरर्स थे और जब उसका परचेस पूरा खुला होगा तो उसने फुल नॉइज दी होगी हाँ। क्योंकि प्रिंट होने के बाद तो वो हो गया प्रिंट सब कुछ हो गया अरे अच्छा जी मैम नेक्स्ट टाइम इनशा तला बंदा हाजिर है कोशिश करेगा कि बेस्ट से बेस्ट करे इनशा इन तो मैंने कहा रात गई बाद गई मैगजीन मैंने कोई पंद्रह बीस कॉपियाँ रख ली हाँ। और सब लोग आए उनको दिखाओ ये देख हाँ। ये चेक कर ये मैंने हाँ। किया फोटोग्राफर पर आप इससे हाँ। बड़े प्राउडली ना क्योंकि पता है वो माहौल ही ऐसा था काजी हाँ। उसमें आप इतना प्राउड फील करते थे कोई भी एक्टर हो मॉडल हो या फोटोग्राफर फुर हो या मेकअप आर्टिस्ट हो क्योंकि रिसोर्सेस कम थे आप प्रिंट कम होते थे अब बहुत ही यूनिक एक बंदा सामने दिखता था ये वो बंदा है अब तो बहुत है माशाल्लाह माशा लेकिन मैंने जब उनको दिखाया तो गुड वेरी गुड साथ पढ़ाई चल रही है हाजी बाबा हा। गुड हाँ दोनों करो वेरी गुड अच्छा आके काम वाम भी देखो जरा जाम जाते हैं आया करो थोड़ा बैठा करो ओके ठीक है अच्छा जी बस ये हुआ उसके हाँ। बाद ये हुआ कि पढ़ाई और अपने बाबा के ऑफिस चला जाता दूसरे के लिए अच्छा इतना क्रेज़ कि फिर एक महीने के बाद मुझे एक कॉल आती है जंग ग्रुप से आब सलीम आपका एक चेक रेडी है वो आप आके ले जाए पे 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 बिल्कुल उसने कहा मैंने कहा चेक रेडी कौन सा चेक रेडी है क्या था आप आ जाएँ कोई आपने कोई शूट किया होगा मैंने अच्छा क्योंकि वो पता है उनका एक प्रोसीजर था हाँ। जिसका भी नाम आता था ना हाँ। क्योंकि अब वो उसके नाम से वो चेक पूरी पूरी पेमेंटें बन जाती थी तो मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे सेवन थाउजेंड का चेक दिया हाबद दिया ये आपका चेक है जो आपने वो शूट किया था ना मेल ऑर्डर सेवन थाउजेंड मेरे लिए ऐसा था जैसा आपको पता है कि कोई ईद से बढ़कर चीज़ हो गई आज भाई दो तीन लाख रुपए के बराबर <laughs> है आजकल के वैसे मुझे भी लगता है वही होगा लेकिन जब मैंने देखा यार ये तो काम सही है हाँ तो अब इसमें मेहनत की जाए दोनों चीज़ें की जाए मतलब साथ साथ पढ़ा भी जाए और साथ साथ ये भी किया जाए तो कोशिश करते हैं हाँ। अब प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स कहाँ से लें किससे सीखें आपको कुछ नहीं पता ना नहीं, नहीं। क्या करना है आपको कैसे? नहीं आप में थोड़ी हाँ, था। कैसे आपको ये सब काम करना है तो काजी भाई फिर मैं लकली आपको पता है मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करा मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपनी जिंदगी की लाइफ का अगर चीज़ें बताऊँगा तो आपको लगेगा कि यार आबिद को एक हर टाइम पर अल्लाह ने एक ऐसा मौका देते चले गए कि जहाँ से अल्लाह मुझे उस स्टेज तक ले आया तो है माशा अभी भी हम बिल्कुल मैं कहता हूँ मैं नीचे हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा कामयाब रखे और सब चीज़ें तो मैं फिर मुझे फिर एक हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं एक्टर भी हैं मिनिस्टर्स भी हैं थे मिनिस्टर भी थे मतलब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे अच्छा, अच्छा। कैसर खान एजामानी पार्टी की तरफ से आई वॉन्ट फजीला गाज़ी के, के हजबैंड है साथ, साथ, साथ. तो सही सही वो 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 हमारे पास मेरे भाई के फ्रेंड थे okay. तो उन्होंने मुझे बोला कि आबिद यार मुझे भी फोटोग्राफी कर वो वेरी फेमस एक्टर उस हमारे यहाँ बहुत ड्रामा में आते थे आ. हर आदमी उनसे मिलना चाहता था जब मेरे भाई से उनकी दोस्ती थी तो कहते यार मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ तो आजा इक्विपमेंट लेने चल रहे हैं तो आ जा भी साथ आ जा देखते मैंने उनको दिखाया था ना अपना शूट हाँ. तू भी आ जा देख ले तो उन्होंने मुझे दिखाया सदर में कैमरा शॉप्स okay. मुझे कैमरा शॉप भी नहीं पता था ना कहाँ थी हाँ. अब मैं सदर चला गया उन्होंने तो इक्विपमेंट ले लिया लेकिन उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट करवा दिया गोल्डन कैमरा के साथ गोल्डन गोल्डन कैमरा अगर आप जानते हो गोल्डन कैमरा को जानता हूं अच्छा गोल्डन कैमरा अभी तक चल रहा है yeah, माशाल्लाह से तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और एक गोल्डन कैमरा वेरी फेमस था अदील का और एक वर्ल्ड कैमरा वर्ल्ड ओके तो ये दोनों बड़े फेमस थे तो कैमरा वर्ल्ड ने मुझे एक ऑफर किया कि आबेद हम आपको 2 महीने क्रेडिट के ऊपर एक कैमरा और एक लेंस दे देते हैं तो मैंने कहा कितने का ये सेटअप है ओलंपस ओएम1 मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली वही कैमरा था और वीविटार 70 200 का ज़ूम। ओके। okay, 70 200। आई थिंक हाँ. वीविटार आपने पता नहीं नाम सुना हुआ है। मैंने सेक्ट मुझे ये पता है फोकल लेंथ क्या होती है 70 200? आ, या 2.8 फिक्स या हाँ, मतलब अच्छा खूबसूरत। चिकना लेंस हाँ, कां, हाँ कां <laughs> आ काम हाँ काम वाली काम वाली चीज़ काम हाँ, वाली चीज़ इसके बगैर आप फैशन नहीं कर सकते अगर आपके पास फैशन आपने करना है तो सेवेंटी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी आपके लिए इनफ है ट्वेंटी फोर सेवेंटी एंड सेवेंटी यू डोंट यू डोंट प्रेफर द प्राइम लेंसेज जो यार देखो इतना फास्ट आपको एक्शन करना होता है अगर प्राइम लेंस करेंगे आपको यू नो फिर आपको वो जो आपकी मूवमेंट है ना मॉडल की लाइवली कैप्चर करना कैंडिड पिक्चर्स मेरा एक स्टाइल है कि मैं आपको एक फ्री छोड़ूंगा मैं आपको नहीं बोलूँगा हाँ भी तस्वीर मैं वो वो सील नहीं करती <laughs> यार आप जो है फ्री हो जाए हाँ, आपको घूमे अपने प्रपोजेस करें कंट्रास्ट लाइट पे काम करें आदि हाँ फन हाँ, हाँ, मुझे उसने वो दे दिया और मैंने सेवन थाउजेंड जो रुपीज़ आए थे वो मैंने उसको दे दिए कैमरा वर्ल्ड वाले को सही. आ, उसको मैंने कहा भैया ये बाकी मैं आपको कुछ सेवनटीन थाउजेंड का और था कि बाकी मैं इनशाला आपको उसने दो महीने का क्रेडिट मुझे दे दिया यार वो मैंने कैमरा लिया और एक रिफ्लेक्टर लिया काशी बताऊँ अलहमदल्ला सिक्स ईयर्स छः साल तक मैं एक कैमरा एक लेंस ओके okay. और एक रिफ्लेक्टर जो मेरी टांगों के बीच में होता था नो असिस्टेंट छः साल माशाल्लाह मैंने मैक के लिए काम किया और मैक ने मेरे साथ बहुत जस्टिफाई किया रिफाई किया तो, मैं जितना उसका शुक्रिया अदा करूँ काम उसने जो है फिर मुझे फैशन सिग्नल्स में डाल दिया ठीक है हार्ड वर्किंग मैं वो बोल रहा था ना आपकी हार्ड वर्किंग आपको ऊपर लेके आती है कोई आपके फेसेस आपको ऊपर नहीं लाते आप कोई भी चीज़ करने जाओगे ना अगर मेहनत 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 करोगे और अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखोगे देखो तो सबसे बड़ा रीज़न ये है मैं बताऊँ कि लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं काजी सिर्फ अपनी ज़बान से सही बात है मैं इसका बिलीवर हूँ मैंने तो खुद लोगों को देखा है जहाँ मेरे पास एक फेज़ मेरी लाइफ में ऐसा आया जब आप देखते हो कि यार आप कोई बड़ा बूम मिल रहा है यू नो आप बड़े फेमस हो गए हैं अब हर आदमी आपसे काम करना चाहता है तो आप में थोड़ा सरिया आ जाता है हाँ

ये याद रखी वो पड़ती है सुधर जा अगर नहीं सुधरेगा तो फिर टांग जाएगी अल्लाह चांस जरूर देता है तो उस चांस को अवेल करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि यार आप में क्वालिटीज़ नहीं है ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ना बेशक वो फोटोग्राफी में हो बेशक किसी भी डिपार्टमेंट में हो ये अल्लाह की तरफ से आपके हाँ, पास आ रहा है हाँ, अल्लाह की तरफ से तो इसको आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मेहनत करें इनशाला आपको देगा और कोई मैं कहता हूँ क्वालिटीज़ का क्राइटेरिया नहीं है क्राइटेरिया नहीं कि आप इसमें पैसे कमाएँ पैसा आपकी किस्मत से कमाते हैं आप इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग ये मेरा बिलीव है पैसा होता है ना ये डॉक्टर बन गया तो बहुत कमाएगा हाँ। यार ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं कोई ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा लेट्स अगेन गो बैक टू सो यू बॉट दिस ओलंपस वाला कैमरा ठीक है ना अच्छा ये उस जमाने के हिसाब से प्रोफेशनल कैमरा था या या ये अभी भी अगर आप तो सर्च करोगे तो इट्स अ नंबर वन कैमरा ओके ओके एंड फिर आप जो है यू स्टार्ट डूइंग शूट्स रेगुलरली विद मैग राइट पढ़ाई चल रही है काम पे भी जा रहे हो बाबा के साथ बाबा का क्या मूड था फिर अच्छा ये अच्छा हाँ। आप पता है मुझे बड़े अच्छे सवाल आते हैं ये बाबा वाला मूड जो आपने बताया ना उन्होंने लिखा ऑब्वियसली लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई रोक नहीं थी अलहमदिल्ला माशा उन्होंने कहा कहाद जो करो अपने लिए बेस्ट करो ये अच्छा ट्रैक है ये बुरा ट्रैक है हम आपको नहीं देखेंगे लेकिन आप खुद सेल्फ मेड बनो अपनी मेहनत जारी रखो और हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद अच्छे वे में जाए देखो हम अब उस ज़माने में एक ट्रेंड था वो जनरेशन जो थी ना मैं कहता हूँ कि लकी थी हमारी जनरेशन डिफरेंट है वो जनरेशन में लोग ये करते थे बच्चे बाप से डरते थे सही और आज की जनरेशन में बच... बाप जो है वो बच्चों से किडिंग मतलब डरते नहीं है मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उनको माहौल फ्रीली देना होगा मेरा रीज़न ये वर्ड बोलने का सिर्फ ये था कि बच्चों को आपने कैद नहीं करना नहीं करना नहीं करना बच्चों को आपने अगर अपने माहौल में ढालना है एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना है घर घर के हेल्दी यू नो एनवायरनमेंट बनाना है तो बच्चों से आपने बहुत फ्रैंक रहना है कि बच्चा बाहर जाके अगर उसको गलत करना है ना डूड तो वो करेगा वो करेगा आप जितना उसको रोकोगे ना काजी वो करेगा रीज़न हाँ। ये कि उसको आदत आप बोलो बाहर अंदर आके तो बोले बाबा हस्टैंड बा, कैसे हाँ। बाहर जाके वो, वो छोटे और फलाना सब कुछ हाँ। लेकिन उसका बात नहीं बनती सिंपल हाँ। ये है कि अगर उसको आपने अपने अंदर चैलेंज कर लिया उसके साथ मिल गए उसकी एज में चले गए तो वो आपसे हर चीज़ शेयर करेगा शेयर करेगा और शेयर करेगा तो अगर कोई चीज़ गलत आपसे शेयर करे तो आप उसको फ़ौर टोकोगे यार बचे नहीं करना मेडम ये, हाँ। ये देख मैं इस हडल से निकल के मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी तुझे नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाप सबसे बड़ा जो है ना वो प्रोटेक्शन होता है बच्चे की जितनी है ना आजकल की जितनी चेंजिंग एनवायरमेंट है जितने फैक्टर्स हैं अगर ये पर्दा इस वक्त इस आजकल के जमाने में रहा ना बाप और बेटे या बाप और बच्चों के बीच में बेटी भी हो तो आई थिंक इट्स डेंजरस यार बिल्कुल ंग चेंज इज़ सो फास्ट ना आज कल के जमाने में uh, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो एंड आई थिंक यहाँ पे ये यह बोलना बहुत मुनासिब है कि आई टॉकिंग टू एल्स ऑन अ पॉडकास्ट एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रिवेज एंड गिफ्ट ठीक है ना आप इस डे एन एज में एक बच्चे को सक्लूडेड रख के hmm. उसको प्रिवलेज दे सकते हो तो उसको तोहफा नहीं दे रहे हो सही क्योंकि आगे चल के जब वो दुनिया में जाएगा ही डजंट नो व्हाटस गोइंग ऑन यू नो अच्छा सर कहां पैर किधर क्या आसमान किधर है कुछ समझ ही नहीं आएगा ना सही उसको सही क्योंकि आप आपने उसको अंदर रखा वो सोने का वाला दिया सिंपल उर्दू में ये बोलेंगे तो आगा। आपने अब आप वो पापा की प्रिंसेस है या पापा का शहजादा है ठीक है ना अंदर उससे कोई उफ भी नहीं करता जोर से बात भी नहीं करता ये कराची है, लेकिन चलो कराची नहीं हाँ। ज्यादा है लेकिन कोई भी शहर, कोई भी शहर होता। आप मुझे बताओ ये तोहफा हुआ या अजियत होगा हो देखो ना उसके लिए प्रॉब्लम होगा हो सकता है बाद में वो मैनेज कर दे हाँ। आपस में मिल जाए लेकिन अगर आपके घर से वो ट्रेंड हो जाए तो ज्यादा बेटर नहीं होता बहुत बेहतर है तो वो यही था कि फिर जब अच्छा uh, बड़ा टफ़ टाइम हार्ड टाइम्स भी आपकी लाइफ में गुजरते हैं और uh, मेरा तो बिलीव यह है कि सबसे बड़ा आपकी जो इनकम होती है ना वो आपकी औलाद होती है इनकम आपकी औलाद होती इंकम. है इंटरेस्टिंग वो इसलिए मतलब? होती है कि जो आप कमाएं अगर आप उसमें नहीं लगाते हैं और उसको आपने फेंका हुए साइड पे और वो बड़ा हो जाता है आप बोलते हैं जी मैंने इसके लिए ये कुछ किया है लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाता तो फ़ायदा कुछ नहीं है वो अमाउंट ख़त्म हो जाएगा वो अमाउंट आपके साथ नहीं रहेगा नहीं। अगर आपने उस पर लगा दिया तो वो उसका दस गुना कमाएगा ज़्यादा इनशा 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 क्योंकि वेल well ग्रूम बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेरा मेरे बाप माँ को यही एक मेरी तरफ से मेरे एक्सपीरियंस की तरफ से या मेरी तरफ से जो एक दिल की एक ख्वाहिश है बोलने की वो यही है कि बच्चों पे लगाओ पैसों की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि एक मिनट के बाद आपकी ज़िंदगी है या नहीं है कोई गारंटी नहीं।, नहीं कह सकते कि जी मैं इनके लिए जमा करूँगा या उनके लिए करूँगा नेवर एवर आपको पता ही नहीं ठीक नहीं। है तो आप जब तक है अगला सांस अल्लाह आप दे रहा है अल्लाह सबको करम रखे सब पे करे लेकिन ये होता है कि बच्चों को वेल well ग्रूम रखें क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है दूर इतना कॉम्पिटिशन्स है कि वो बेचारा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा जाएगा इसलिए जाएगा कि यार आपने मुझे नहीं भेजा अच्छे स्कूल आपने मुझे ग्रूम नहीं किया नहीं। आपने मुझे नहीं सिखाया नहीं। अब वो वहां चला गया वो यहाँ चला गया वो वेरी डिफिकल्ट बच्चे के लिए वो उसके अंदर आने के लिए वो बेचारा अगर कॉम्प्लेक्स में चला गया तो आधा पागल हो जाएगा ऐसा ही तो मेरा तो यही मशवरा है कि बॉस जो कुछ है दे दो जिंदगी का पता ही नहीं है यार बच्चे को ग्रूम करो बच्चा अपनी किस्मत से उसको और इनशाला आगे लेके जाए इनशा जो मेरा मेरा जो मुझे जो लगता है तमाम माँ बाप को ये करना चाहिए तमाम अपने लोगों को ये करना चाहिए कि बच्चों ज़्यादा ज़्यादा से नजर रखें कि यार यारे माँ बाप अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं कि यार हाँ। ये किसी गलत ट्रैक पर ना चला जाए सही सही ना कोई हाँ। लोग इसको लूट ना नो कोई इसको ब्लैकमेल ना कर ले बिल्कुल है हाँ। क्योंकि एक ऐसी एज होती है जहां से बंदा यू you नो know, अट्रेक्शन होती है आई थिंक कि आप ऐसा आप उस... नहीं होगा कि पहले वो इज्जत आप बोलोगे, अब तो मेरी हाँ, भी इज्जत ले लो मेरा बच्चा है हाँ, है। नहीं पता होता ही देखा मेरा बच्चा ये बोला कितना तरक्की करिए आप तरक्की खुदा खास तरह कर पाए मैं कहता था

रोक, रोका चलो नहीं हाँ। उनकी परेशानी क्या थी परेशानी नहीं थी ओके आ, अच्छा उन्होंने रोका भी नहीं परेशानी भी नहीं मैम मैम ब्लेस्ड टाइम बताऊँ मेरे माँ बाप ने जितना सपोर्ट किया उनके बगैर मैं कर नहीं सकता था ठीक आप बैचलर होते हैं और आपको अगर बाप रोक देगा तो बच्चा नहीं उठा सकता वो कदम फिर वो बागी होगा हाँ हाँ जब बगावत करेगा तो वो घर से भागेगा फिर वो अपने पाँव पे खिलाड़ी मार चुका है सही ठीक है मेरे फादर मेरे पेरेंट्स ने भरपूर मेरा साथ दिया हर चीज़ के अंदर करता रहे देखा उन्होंने शेयर नज़र बड़ा अच्छे किस्से में आपको सुनाता हूँ बड़ा मजेदार सीन आगा। आगा। क्योंकि जब मेरे फादर ने कहा कि जी अच्छा आ... चले मुझे याद आ गया उन्होंने <laughs> कहा जी अच्छा जी मेरे ना इन लॉज की तरफ से फिर शादी वाला सीन आ गया इन लॉस की तरफ से मुझे आ गया वो जी आपका बच्चा तो फोटोग्राफी करता है इन लॉज भी मेरी खाला है सगी खाला है अम्मी की सगी मैंने तो आ गया मेरे वालिद साहब व अम्मी को फोन आ गया कि यार वो बच्चा जो है वो तो हवाई रोज़ी है फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो फोटोग्राफी तो बस हवाई रोज़ी होती है आए नहीं आए तो उसको तो प्रॉपर कोई जॉब होनी चाहिए जिसमें नाइन टू तो फाइव जॉब हो जिसमें पैसे प्रॉपरली इनकम हो जो मुझसे तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स पूछते हैं काजी जितने मेरे पास सवाल आते हैं इंस्टा पे या दूसरी चीज़ों पे, वो ये पूछते हैं कि यार इनकम है या नहीं है फोटोग्राफी में इनकम है या नहीं है हमारे घर वाले हमें तंग कर रहे हैं क्या हम इस फील्ड को ज्वाइन करें या ना करें और ये इस जमाने की बात इस जमाने की बात है अभी अभी रिसेंटली मैंने वो लगाया था क्वेश्चन आंसर तो उसमें उन्होंने मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था इसी तरह से उस जमाने में भी पूछते थे कि यार आप ये मुझे बताएं कि आपका बच्चा तो फोटोग्राफी करता है तो हम तो शादी करना चाहते हैं बिल्कुल तो आप जो है बच्चे को नौकरी करवाएं मल्ला तो बड़ी डिफ़िकल्टीज है बच्चा प्रॉब्लम में आ जाएगा रोजी है अब्बा ने कहा सही है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे फादर आजम जी में जीएम थे जैसे मैंने आपको बताया और वाहिद जीएम मतलब एक एक एक, एक एमडी थे एक जीएम एम और फादर जीएम हाँ तो उन्होंने एक किया लगा के ना आबिद ठीक है आबिद सलीम को एक जॉब दिलवा दी सही और नाइन टू तो फाइव जॉब मैंने हाँ। कर ली और मैं जॉब वाला बंदा नहीं था नहीं लेकिन मैं जाहिर बात है बाप ने बोला है हाँ। और जब मैंने ज्वाइन की तो फिर आपको कोई एक लगा बंदा अमाउंट ना कोई चालीस हजार तीस हजार रुपया आपको आना महीना शुरू हो गया नहीं, नहीं। और फिर उसके बाद मैंने पार्ट टाइम फोटोग्राफी शुरू की ओके okay. फोटोग्राफी तो कर रहा था मैं क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकता था वो मेरा पैशन था जुनून okay. जिसको कहते हैं ना आज भी अगर आप मुझे कल शूट पे देखोगे आप बोलोगे यार ये मुझे लगता है अब सलीम का पहला शूट है uh -huh. वो एनर्जी का लेवल मेरे अंदर से ना आप कभी भी निकाल नहीं सकते एक्साइटेड कैमरा, हाँ, like कैमरा हाथ में आ जाए तो बस चार्ज हो जाता है ऐसा लगता है बैटरी मेरे अंदर फायरिंग शुरू हो गई है तो yeah. really yeah. <laughs> मैंने लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड थी इन लॉस की भी और अबा की भी अबा ने कहा भाई मेरा फायदा उठा ले मैं आदम जी नाऊँ नौकरी कर ले मैंने नाइन टू फाइव जॉब स्टार्ट कर दी जब मैं जॉब करूं काम करूं काम करूं और पाँच बजने का ना वेट करूँ पाँच बजे तो को <laughs> तो तुझे पता है ना जिसमें शौक़ होता है ना बंदा उसी में भागता है और जिसमें शौक़ नहीं होता ना आप अगर उसमें आठ घंटे लगाओगे तो लगेगा आपने कुछ छत्तीस घंटे लगाए ऐसे ही भाई तो मैंने वहाँ से काजी पाँच बजे का वेट करता था जैसे पाँच बजते थे ना भाग जाता था कि मुझे कोई रोक ना ले मतलब होता ना वो टाइम नौकरियों में क्या तुझे बताते तो मैं भागा और भाग के फिर मैं एक शूट प्लान होते थे मेरे मैं शूट करता था रात में फिर घर आके मैं कुछ माइनर सी फोटो शॉपिंग करके हाँ। और फिर सुबह फिर मैं दोबारा नौ बजे ऑफिस ये सिलसिला कितने अरसे चला क्या ये सात साल सात साल जी तो आप ठीक है लक इज़ अ पार्ट ऑफ इट बट यू आर नॉट एन ओवर नाइट सक्सेस नो देखो दिस इज सेवन ईयर लेकिन पता है स्टार्टिंग मिलना ओवर नाइट कह सकते हैं ना उसको देखो जब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो और आपकी अर्निंग विद इन वीक विद इन टेन डेज बेशक एक रुपया हो

उस जमाने में नहीं था उसमें अगर आपको शौक ये पता अमीरों के पाओं पे अमीरों शौक थे, <laughs> अमीरों की शौक थे। और हम यू नो कहते हैं जो कुछ करना है, खुद कर भाई हाँ। अपने पे खुद खड़ा हो हाँ। जो अच्छी बात है अगर हाँ। अगर हम शुरू में बच्चों को नहीं डालेंगे तो बच्चों में हार्ड वर्किंग की वो पावर खत्म हो जाएगी नहीं चीज़ आपको मजबूत बनाती है यार ये अगर लाख की आ रही है तो ये पचास हज़ार की भी वो फिर अपनी कैलकुलेशन नहीं होगी ना बोलेगा बाबा लाख की क्या है लाख ही तो है दे दें हाँ। उसकी ये साइकिल उसके लिए प्रॉब्लम्स करेगी फिर मैंने जब सात साल हो गए और मैं शोल्डर मेरे थक गए ऑब्वियसली हाँ। शादी भी थोड़ी पुरानी हो गई ठीक है माशाल्लाह दो बच्चे अलहमद हो गए थे और तीसरा माशाल्लाह बस ऑन द वे था <laughs> <सही है। laughs> तो सही है। मैंने कहा मैं ना गाड़ी में जा रहा था हाँ। वाइफ मेरी साथ बैठी हुई था हाँ। साल कौन सा भाई ताकि साथ यार साथ। मैं ये उसमें थोड़ा वीक हूँ यार थोड़ा सा वो सात साल लगा ले यार कोई 2000 हजार मैं समझ रहा हूँ ये 2001 2002 की कहानी है आ, ऐसे करें 2000 कर लेते हैं दो हज़ार कर दो हजार दो हज़ार कर लेते हैं तो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मैंने कहा यार बिगम अब जो है ना ये बहुत हो गया नौकरी मुझसे नहीं होती है ओके okay. ट्रस्ट मी उसने कहा यार आप करें क्या लगा हुआ है ये भी इनकम आ रही है और फोटोग्राफी भी आप कर रहे हैं करते रहें जो भी रात गई बाद गई फिर से मैं ऑफ़िस चला गया यार फिर मैं जब ऑफिस पहुंचा हूं तो मैं अपना माइंड बना चुका था कि मुझे नहीं करनी जॉब मैं कहता ना कि यार आप फिर सोचते हो कि और मैं उस वक्त फ़ैशन शूट्स करता था फ़ैशन शूट्स पे आपकी इनकम इतनी नहीं होती यू ना अगर आपका थर्टी फोटी थाउजेंड बन रहा है तो आपका इतना ही आपको पचास हज़ार आपको वहाँ से उस जमाने की कैलकुलेशन अमाउंट्स बता रहा हूँ तो आप ये समझते हो यार दोनों चीज़ें मिलाएंगे तो हमारा एक हैंडसम अमाउंट बन रहा है हाँ, लेकिन ये आपकी बेजन ज़्यादा हो रही है तो आप इसलिए उसको थोड़ा सा केयरफुल रहते हो तो काशी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना भाई ये ये जॉब नहीं करनी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना थोड़ा लोग भी कहते थे ये जीएम का बेटा है ना तो इसलिए इसको आगे बिठाया हुआ है इसको वो टाइम वो बहुत होता था बहुत ज़्यादा तो मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा और अपने जी एम के कमरे में गया और वो टेबल पर रख दिया उन्हीं दिनों ना प्रमोशन लेटर्स आए थे तो आई थिंक वो एकदम घबरा गए कि शायद इसका प्रमोशन नहीं हुआ तीन चार साल से प्रमोशन नहीं हुआ तो ये ना इसने तब के अंदर ये लेटर रखा है और ये भाग गया है तो मुझे बोलते हैं आपने क्यों दिया रेजिग्नेशन लेटर क्योंकि फादर पूछते इसलिए पूछते क्योंकि फादर जी थे ना आ, दूसरे जी पूछते थे अदरवाइज कोई और होता तो बोलते मारते बाहर निकालते जो भी जाना चले जा तो जा, जा। मुझसे इतना सवाल कर रहे थे कि मेरा फादर ऑलरेडी वहाँ माशाल्लाह थे तो पहले कहा यार भैया सर भैया तो नहीं ऑबियसली बॉस थे मैंने कहा सर सर मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा अच्छा जी देखते हैं चले गए वो उसके बाद शाम उसी दिन शाम पाँच बजे से पहले फोर्टी टू फाइव उन्होंने एक फ़ाइलों का बंच उठाया और मेरी टेबल पर रख दिया फायर अंडर राइटिंग के अंदर मैं था मेरे टेबल पर रख दिया उन्होंने मुझे बोला आपको ये ओवर टाइम बैठ के कम्प्लीट करना है तो मैंने यू देखा ओके okay. तो उसके बाद उस फाइलों के साथ उन्होंने मेरा प्रमोशन लेटर भी रख दिया कि आपको प्रमोट कर दिया गया है और आपकी प्रमोशन हो गई मैं उठाऊँ एग्जैक्टली exactly वही टाइम जब मैं उठता था मेरा पाँच बजे के बाद शूट था मैं मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती थी मेरे पैशन के लिए अलहमदिल्लाद्लाहमदिल्ला क्योंकि वो जब जनून आपका होता है ना और आपको कोई चीज़ नहीं दिखती फिर मैं उठाऊँ काजी मैंने कहा भैया ये फाइलें आपकी ये प्रमोशन आपका मुझे जो भी ड्यूज़ हैं वो आप पे करें और ये आपका लेटर पढ़ाए कल मुझे लेटर हेड ऑफिस से मांगे उन्होंने मेरे फादर को फ़ोन किया उन्होंने कहा भाई उसका माइंड बन चुका है वो नहीं करेगा जॉब उसको आप फिर रिज़ाइन कर दें उसको तो मैंने वहाँ से डिजाइन किया रात में आके ना इजी जैसे मेरे शोल्डर से ना ऐसे कहता ना, पचास किलो के वेट पड़े हुए वे, रिलैक्स हो हाँ। जेम में कुछ भी नहीं है रिलैक्स हाँ। हाँ। बेगम बैठी हुए साथ हम जा रहे हाँ। हैं जाते हुए मैंने कहा यार तुझे पता है अगर ये होर्डिंग मुझे मिल जाए ना आउटडोर होर्डिंग शूट फिर अपने बारे नियारे हो जाएंगे अभी तक तो हम फैशन करते हैं ना हमें तो फैशन में तो सात हजार छः हज़ार पाँच हज़ार अगर ये मुझे आउटडोर्स काम मिलना शुरू हो जाए ना फिर तो अपने वारे ये मैंने उसको रात में बोला

उसने मुझे कॉल किया कि वो उस वक्त थी आई थिंक जर्मनी में आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सा बाहर थी ओके ओके okay, okay. उसने मुझे कॉल किया कि आबिद यार एक शूट है पोट्रेट और वो ब्रांड का शूट है लक्स का लक्स। <laughs> <मैं निका>, अच्छा <laughs> वो को, ओई, इतनी जल्दी <laughs> मेरे सीन हाँ. तो कहती है वो लक्स का शूट है और आप कर लोगे हाँ. तो मैं उस जमाने में ना उसको माइक को कहती हाँ, हाँ, हाँ आप कर लोगे हाँ. मैंने कहा नबीला उसमें क्या साइंस क्या है रेफरेंस दिखाएंगे वो टिपिकल कवर शॉट जो पोर्ट्रेट बन जो आप कर रहे थे वैसे जो हाँ? फैशन के मैगजीन से कवर हम शूट करते थे मैंने कहा दिखाओ मैंने हाँ यार कर लेंगे है? लेकिन यार ये आ, हमें ना बड़े नेगेटिव यू नो मीडियम फार्मेट्स कैमरे और या मीडियम फॉर्मेट्स के बड़े इन लार्जर डिजिटल कैमरे जो एमकॉन एक्सप्रेस जो रिसेंटली आए थे जो बिल्कुल नए आए थे वो खुशीद मसूद के पास थे आई थिंक उस जमाने के माशाल्लाह फेमस बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफर थे कमर्शल्स थे खुर्शीद मसूद खुशीद मसूद ये तो उनके पास थे तो आप ये कर लोगे मैंने कहा मैं, मैं इसमें एक गेम करूँगा आप लाएँ हाँ। जॉब लाएँ बस जॉब था कि आप लेके आए आएँ क्योंकि नबीला की माशाल्लाह माशाल्लाह इंडस्ट्री में पीआर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मुशरफ आयिस उसकी दोस्ती थी तो लक्स का वो एड मुझे मिला ऑयल ऑफ केड रेशम उसमें एक्ट्रेस थी ओके और बस किस्मत देखें जॉब छोड़ी है थर्ड डे मैं ये शूट कर रहा हूँ बिला सेकंड डे वापस आ गई तो थर्ड डे मेरे ऑफिस में शूट हुआ है और आपने सबमरीन चौक देखा होगा गिजरी के ऊपर अब हाँ। तो वो सबमरीन उन्होंने हटा दी थी बीस बिल्कुल हाँ। अब सिर्फ चौक है चौक ही <laughs> चौक है तो वो राइट हैंड पे दो बड़े होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं नीचे जो ट्रैवल एजेंट्स की हाँ। जो है उन दो होर्डिंग को आप अगर एक करोगे ना काजी तो वो एक होर्डिंग बनेगी तो उस पूरी बड़ी होर्डिंग पर मेरा शॉट लगा हुआ था अब आप बोले यार आबिद आपके पास तो कैमरे हल्के हाँ। थे तो आपने कैसे किया

तो हमने थोड़ा सा गेम किया वो ये किया कि सिक्स मेगापिक्सल आपका होता है ए फोर थ्री थ्री हंड्रेड डी पी सिक्स मेगा का जो रेजोल्यूशन होता है वो एर साइज थ्री हंड्रेड डी पी आए मैंने शूट किया और उसमें से शॉर्ट पिक्चर्स करने के बाद मैंने उसकी फिनिशिंग करवाई और ए का डिजिटल प्रिंट निकाला ओके डिजिटल प्रिंट निकाल के मैं डायरेक्ट चला गया हमदर्द स्कैनर लैब एप okay. ये जंग का होता था वो ड्रम के ऊपर स्कैनिंग होती थी जैसे मैगजीन होते ना उसमें नेगेटिव उसने पूरा प्रिंट को उसने रखा है और उसने वो ड्रम स्कैन किया एक एक डॉट्स को पिक्सल्स को वो स्कैन करता है ओके okay. और वो स्कैन करने के बाद वो फाइल उसने कोई 50, 60 मेगापिक्सल uh, की बना दी और मुझे उसने सीडी के ऊपर दे दिया सी wow. के ऊपर ज़माने uh. में प्रॉपिया सी ही थी भाई ये ड्राइव और ये यूएसबी है बहुत बात की कहानी है चलो ठीक है सीरियसली तो मैं आया मैंने दिया और वो मैंने जे डब्ल्यू डी एजेंसी थी उन्होंने वहाँ दिया वाह 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 वा, ये प्रिंट हो गया प्रिंट होने के बाद जो है शूट की वाह वाह हो गई अच्छा यार ये क्योंकि देखो उस पर फिनिश भी हो गया ट्रम स्कैन भी हो गया और एजेंसी के लिए एक बनी बनाया हलवा मिल गया उनको उन्होंने सिर्फ प्रिंट किया और छाप दिया ठीक है अब छप तो गया है अब अब क्या करें भाई अब एक और किस्मत मेहरबान हुई कि एक साहब मेरे पास आते हैं कि यार आबिर सलीम आप जो है ना मीडियम फॉर्मेट कैमरा लें आपने तो डिजिटल का ये देखें इतनी बड़ी होर्डिंग छापी है ये ड्रम स्कैन कब तक करेंगे आप मीडियम फॉर्मेट कैमरा लें डिजिटल्स का मामिया हसल फेज़ वन ये जितने भी अमेकॉन एक्सप्रेस उस ज़माने के यू you नो know, जिन कैमरे होते हाँ। थे जिनकी कॉस्ट काजी कोई चालीस लाख पचास लाख

है ना जरा बच्चा वो था कफाइश थोड़ा सा हाँ। <laughs> अल्लाह के शुक्र है हाँ। तो मैंने कुछ करके कुछ क्रेडिट्स करके मैंने वो कैमरा ले लिया मामिया विद एमेकॉन एक्सप्रेस तो वो एक साल की वारंटी के साथ होता है तो बॉस उस वक्त पाकिस्तान में एक खुर्शीद साहब के पास कैमरा था और सेकंड माशाल्लाह मेरे पास सलीम के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो बस ये था कि फिर ऑप्शंस नहीं था ना जब आपको एक अच्छी चीज़ की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो।, हो जाए एजेंसी की और क्लाइंट की तो आप फिर पीछे नहीं देखते ना। कि ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ये क्या कर, आप देखते हो यार ये बंदा फिट है हमें ये प्रॉपर मिल रहा है और इस चीज़ से यार ये होता है लक की बात काजी भाई मैं बताऊँ आप कोई प्लान नहीं करते मैं अपने आप की हिस्ट्री अगर पुराना आप, अपने आप को देखूँ ना कि यार आबिद कैसे चीज़ें तुझे मिली करा ये मेरा प्लान ज़ीरो अल्लाह का प्लान बनता है कि जो चीज़ जिस वक्त आनी थी वो पहली वाली चीज़ निकलती थी और दूसरी चीज़ जम करके मेरे पास आ जाती जा थी, थी अच्छे पॉजिटिव वे में जब मैंने वो लिया तो फिर आ, जे डब्ल्यू डी एजेंसी एक बड़ी फेमस है वो जिन्हें लेबर का काफ़ी काम करती थी जब उनका ये लक्स प्रिंट हुआ तो उन्होंने कहा ले भाई आपको खुर्शीद भाई तो मोस्ट एक्सपेंसिव उसका अगर मैं आधा भी लूँ तो मैं तो ठीक ठाक कमा रहा हूँ अलहमद लाहमदुल्ला उन्होंने कहा भाई आबिद सलीम ही मैं बस दो साल डेढ़ दो साल अलहमद उन्होंने मेरे साथ काफ़ी काम किया उन्हें इन हाउस भी मेरा आ, उनके फोटोग्राफर्स थे फिर मेरी दोस्ती भी हो गई तो डेढ़ दो साल मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया फिर जब आपने इतना काम करते हो तो फिर दूसरी एजेंसियाँ आपको अपने पास लेना शुरू करती है तो वो फिर मेरा एक फ़ील बढ़ती चली गई आप एक अच्छा काम डिलीवर करते हो फिर लोग दूसरी एजेंसी आपको पिक करती है तो ये है लाइफ का और बाकी जो मेरे साथ जो मैं अपनी हिस्ट्री कभी भूलूंगा नहीं जब

How did you respond to Facebook because abab by the time two thousand and seven comes around that's when facebook happened two thousand seven 2008 Abid Salim is top of his game you know and and he's you know you're doing good work, everything's good <laughs> <alhamd> <laughs> sorted family's good, making good money and then all of a sudden hmm. digital cameras start becoming.

देखोसली uh, मुझे तो अच्छा लगा हाँ देखिये अगर आपको इंडस्ट्री में हाँ. हर टाइम के साथ एक नया इनोवेशन आएगी मार्केट आएगी अगर आप उसको अडोप्ट नहीं करते तो आप ख़त्म है यार ऐसा ही। क्योंकि लोग बोलेंगे मुझे वहाँ से एक क्वालिटी चीज़ रीज़नेबल अमाउंट पे मिल रही है हाँ। अच्छा बड़ा मज़ेदार इस पर ही ना बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त किस्सा है जब मैंने डिजिटलाइज़ हुआ इस हाई मेगा के ऊपर तो मुझे लोगों ने कहा वेरी फेम फोटोग्राफर्स और इस बंदे ने जो ये कैमरा लिया है ना चालीस लाख रुपये का मेरे पास होता ना मैं फ्लैट ले लेता है जी हाँ मैंने कहा मैंने कहा अच्छा ओके सर ठीक okay, है आपने है। तो मैं माशा वो चालीस लाख विद इन वन एंड हाफ मंथ में कवर था विद वर्किंग मेरी, मेरे काम जो आपने, आपने मीडियम देवाँ के साथ किया सही दिया डिपेंड करता है कि आपने इनिशिएटिव लेने की जरूरत होती है आप जब तक पानी में छलांग नहीं मारेंगे आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे सही तो वो चीज़ें आपको एक मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ कि यार काजी ये अच्छा कैमरा है हाँ। देखो कैमरे का भी बिलीव मुझे बड़े सवाल ये आते हैं कि जी कैमरे कौन, कौन से ले? हाँ, हाँ, यार ये हाँ, यार, कौन सा कैमरा ले? ये, हाँ <laughs> देखो मीडियम <laughs> फॉर्मेट और थर्टी फाइव फॉर्मेट्स क्या है हाँ। ये अगर आप बोलते हो जी नाकॉन कैन थर्टी फाइव फॉर्मेट्स पर बात करते हैं हाँ? तो सारे फॉर्मेट थर्टी फाइव के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेम उनमें फीचर्स हैं ओके ठीक है ना आपको सिर्फ गिमिक्स हैं बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस बटन चेंजेस अदरवाइज क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स जो है ना वो सेम है उन्नीस बीस हाँ उन्नीस बीस का लेकिन कैनन को थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए होता है कि ये अपना सीमा सेंसर खुद बनाता है ओके okay. और नाइकॉन और दूसरे जो ब्रांड्स हैं सोनी नहीं नाइकॉन और दूसरे ब्रांड वो सीमा सेंसर कोडेक्स से लेते हैं ओके okay. तो इसीलिए उनको एडवांटेज है कैनन को जब वो न्यू आ, कैमरे लॉन्च होते हैं तो कैनन ज़्यादा जल्दी एक नया इनोवेशन लेके आता है तो अब जैसे ये मिररलेस कैमरों पे आ गए वेरी गुड कैमरे लेकिन मिररलेस में अभी हाई स्पीड कैप्चरिंग्स जो है वो डिफ़िकल्ट है अच्छा हाँ वो अभी इस पर काम चल रहा है क्योंकि हाई स्पीड में मोशन ब्लर्स होता है सिंक you know, जो है वो ऑब्वियसली आया लॉन्च हुआ है हाँ, तो इस पे काम हो जाएगा वो हाँ, इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है नहीं, नहीं, वो फटाफट उसमें जब तक मैं फिल्म के ऊपर काम कर रहा था डिजिटल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मैं नाइकॉन का क्रेजी था ठीक है मैं कैनन को हाथ भी नहीं लगा था फिर जब मैं डिजिटल हुआ तो मैं कैनन के ऊपर आ गया थर्टी फोर मिनट डिजिटल किस साल में हुआ आप यार मैं तो बस आप समझें जब डिजिटल दुनिया हुई है तो मैं डिजिटल हो गया यू डिड नॉट देयर वाज नो फ्रिक्शन नो 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 मेरा एक स्टाइल बहुत डिफरेंट है बॉस अभी अगर मेरे पास जो भी कैमरा हाँ। आपको मैं ये बताऊं मैं इतना क्रेजी हूं कोई भी ब्रांड होगा ना मेरे पास काजी अगर उसका नया लेटेस्ट वर्जन लॉन्च होगा तो मेरी रातों की नींदें हराम हो जाएंगे ये, लेना, ये लेना है। लेना है और लेना है मास्टर करना है हाँ प्राइम चीज़ लेनी टॉप ऑफ द लिस्ट लेनी कि ये वाला कैमरे का अपग्रेड वर्जन आया है That said, अब ने इसको चार गुना है क्यों बढ़ाया है बढ़ाया? कोई ना कोई रीजन होंगे यार वो चाहिए तो किया था वो चाहिए मुझे मैंने अच्छा जबरदस्त वही करते हैं वही करेंगे क्योंकि मेरे साथ जब एक्सपेक्टेशन बहुत होती है ना जब आप डिमांड्स अगर आप जस्टिफाई भी तो करें अगर आप डिमांड ज्यादा करें कि मैं इतना अमाउंट लूंगा तो वो डिलीवर भी उनको मैक्सिमम एक स्ट्रॉग केक के साथ देना चाहिए राइट right. फिर मैं आपसे यही पूछूंगा कि वन ऑफ द वेज टू फिगर आउट टॉप इज योर रेट राइट मैं देखिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ मुझे थोड़ा सा ना जब इस तरह की बातें होती है टॉप देखो टॉप कोई भी नहीं होता मेरा बिलीव क्या है काजी हाँ? एक सेकंड की मार है बॉस अल्लाह रहम करे सही बात है ट्रस्ट मी हाँ? एक सेकंड आप एकदम से डिक्लाइन पे जाते हो ऐसे तो कोई टॉप पे नहीं होता होता है कि यार दिस इज नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री इस तरह तो मैं जब नॉमिनेट हुआ लक्स में थ्री टाइम थर्ड टाइम फिर मैंने बाइकआउट कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा मैं पोर्टफोलियो अपना नहीं दूँगा तो नॉमिनेशंस कोई क्राइटेरियाज़ नहीं है कि आपको जो है वो आप बहुत सुपीरियर फोटोग्राफर्स हैं नहीं आपका एक अच्छी सराउंडिंग में एक अच्छी टीम मिल जाए अच्छा मेकअप आर्स अच्छी मॉडल यू you नो know, अच्छा आ, sure. तो आपका शूट खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा यार आप खुद ब खुद ही उसमें आ जाओगे अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे करोगे उसको नहीं आई कम्पलीटलीपल विलिंग टू पे यू लॉस ऑफ मनी राइट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ठीक है तो इस तरीके से अगर मैं ये फ्रेस कर दूँ यह सवाल कि पीपल आर लाइक नई वी डोंट वॉन्ट एक्स वाई जी वी वॉन्ट आबिद सलीम दैट ब्रिंक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई अब इनको आई इवन इफ 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 इवन इज जस्ट प्रेशर टू बी योर उसका भी एक प्रेशर होता है ना कि ये मेरे अपना जो स्टैंडर्ड है आई सेट इज तो अब वो स्टैंडर्ड मीट करना है हुँ. नहीं तो मसला है बॉस देखो होता है, बिल्कुल है हाँ. अब उसके लिए तो हम मैक्सिमम जाते हैं हाँ. क्या करता हूँ मैं जैसे मैं इस आदमी की शूट हो रही है ठीक हाँ, हाँ, है हाँ. अब मैं एजेंसी के साथ कंप्लीटली इन टच में हो जाता हूँ कि यार मैं तुमसे एंड रिजल्ट से तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हाँ. शूट के बाद प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बाद ऑब्वियसली उसकी फोटो फोटोशॉपेंगे शौ, उसमें जो ग्राफिकली चेंज करना है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हाँ. लेकिन एजेंसी नॉर्मली करती नहीं है हाँ. उनके इन हाउस होते हैं वो कहते हैं वी आर सुपीरियर आपकी जरूरत नहीं है good, आप हमें yeah. ट्रांसपेरेंसी काम कर दें हाँ. लेकिन बाहर एक डिफरेंट ट्रेंड है ना वहाँ तो लोग जो के वी विजुअल्स फाइनल करते हैं काजी वही पाँच छः शॉट्स जो हैं वो उनको फिनिश करते हैं और वो एजेंसी को देते हैं हाँ। हमारे यहाँ बोलते हैं जी आप दस हज़ार शॉर्ट लें और दस हजार के दस हमें दे दें और एक बुरा शॉट प्रिंट करके हमें उस टैलेंट के सामने भी यू नो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है उन, देखो वो जानबूझ के बुरा नहीं करते होता क्या जब आपकी लॉट दस हज़ार शॉर्ट्स की होगी ना तो आप पे कैसे करोगे यार ऐसा ही है ऐसा ही ठीक है समझ रहे आप दस हज़ार शॉर्ट्स को देखोगे पूरा मैं तो नहीं देख सकता बट ओके सोज वट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना ये जैसे दिहाड़ी की बात है मजदूरी की बात है काम की बात है ना आपने काम किया रेट डिसाइड हुआ हंड्रेड रुपीज नहीं है बट हुआ पांच शॉर्ट ठीक है अब आप एजेंसी साथ में ये दूसरा हाथ लाती है और बाकी सारी रॉ इमेजेस भी दे दो तो. हाँ, हाँ। तो भाई वो काम है 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 ना मेरा पता है मेरी मजदूरी ना नहीं 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 अच्छा नहीं पता है मैं इसके फेवर में नहीं ओके okay. या okay. इसकी इस वजह ये है क्योंकि ये थोड़ा सा शादियों वाला सीन हो जाता है यू नो वेडिंग फोटोग्राफी जो होता है ना okay. कि यार अगर ये बंदा इसमें से प्रिंट करेगा तो मैं इसके प्रिंटिंग कॉस्ट दे दूंगा आई थिंक काजी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि uh. आपने अगर एक दिन में मैक्सिमम चार्ज किया आपने एक शॉट लिया या दस हज़ार शॉर्ट लिया तो वो प्रॉपर्टी उनकी है आप उनको दे दो लेकिन वो वो जो है उस चीज को आपका नाम मॉडल का नाम सेलिब्रिटीज का नाम खराब ना करके ख़राब शॉट पहन ना करें हमें सिर्फ डर ये होता है okay. मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि ये मुझसे पचास हज़ार शॉर्ट लें जब मैं सेट पे आ गया हूँ मैं रुकता नहीं हूँ मैं खुद okay. नहीं रुकता यार मैं चाहता हूँ अच्छा मैंफैक्ट सेटिसफाइड बहुत मुश्किल से होता हूँ okay. जैसे मैं आपका शूट कर रहा हूँ करते करते मेरा ये होगा कि यार पता नहीं शॉट अच्छा है नहीं आया एक और एक और एक और एक और वो एक और एक और जो है वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं सम टाइम मुझे भी हार्ड ड्राइव

सारी शूट के बाद वो डाटा मैं डम करूंगा अपने सिस्टम में बैकअप में और वही डाटा उनकी हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करने के बाद मैं अगले दिन दूसरी शूट पे हूँ या और अब जो मेरा आप इंस्टाग्राम या उस पर देखते हो तो ये माशाल्लाह मेरा बेटा एक दानियल है वो उसको मैनेज कर रहा होता है माशाल्लाह वो उसमें से शॉर्टलिस्ट करता है और वो जो है बाबा ये कुछ लगा देते हैं कुछ पता तो लगे हमारी कैंपेन है आज कल आ रहे हैं आप आज कल आ रहे हो फोन कहते हैं दान आज कल आ रहे हैं आज कल आ रहे हैं तो वो वो थोड़ा सा फॉलोअप में क्योंकि ये है जनरेशन ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दाढ़ी सफ़ेद बाल सफ़ेद हम लोग ओल्ड स्कूल है ना हाँ. लेकिन हमें आज के दौर में इन रहना है तो आज के दौर में जो आज की जनरेशन है माशा अगर मेरा बेटा बेटे है माशा तीनों है, बेटे हैं माशा शोबे में आ, आएंगे भी और अच्छी जगहों पे तो वो जब आके मुझे बताते हैं कि दिस इज़ इन दिस इज़ आउट आपको मैं बताऊं एक वर्ड इसमें छूट नहीं होगा कि मेरा एक्सेस मेरे बच्चों के पास है इंस्टाग्राम का जो एक्सेस है मेरे मैं सिर्फ देखता हूँ

आपकी ईगो सब बाट लग जाएगी ऐसा ही है। मतलब आपको ईगो किस चीज़ का है कि आपको इतना रिलाय अपने ऊपर ट्रस्ट है कि आप मैक्सिमम दोगे मुझे तो नहीं है आई स्वेर अल्लाह गवाए कि मैं रात जब मेरी सुबह शूट होती है मुझे रात पे नींद नहीं आती अभी तक जी अल्लाह गवाए या अल्लाह yeah, गवाए मैं इस एक वर्ड झूठ नहीं बोल रहा अच्छा टेंशन कि मैं से वो काम अल्लाह पूरा करवा ले जो उनके एक्सपेक्टेशन है aur <laughs> <I> wo <was laughs> <like, laughs> kya baat <laughs> kar rahe ho main sach ah. ki baat bata raha hu acha okay. 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 okay 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 but again you, you must have a system na yeah what is your again if you're comfortable sharing what is your system yaar, uh, for instance ek shoot hai, let's say luxury le lo or kisi bhi cheez hmm. ki lelo, ha? Ha? Leno, uh, and, and say you have uh, what you have worked with some really big names the biggest yeah, names almost mashaallah ma ha, ha? ha. mayra ma 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 ho gayi to fawad ho gaye to sab ho gaye say say you get someone uh,

यू हैव विद आयशा उमर टूम ठीक है ना वॉच योर सिस्टम हाउ डू अप्रोच दैट मैं नहीं करूँगा ना जी दिस इज नॉट माई डोमैन ओके मेरा स्ट्रेट अवे एक एजेंसी कोऑर्डिनेट करेगी एडवर्टाइजिंग okay. एजेंसी okay. uh, uh, uh -huh. जैसे कोई भी ब्रांड का शूट है uh. वो आयशा उमर को कॉन्टेक्ट करेगी uh. वाया मॉडल एजेंसी

जो भी हमारी एक्ट्रेसेस हों उसको लाने के लिए एक प्रोडक्शन हाउसेस टीम हा, हा। काम कर रही होती है वो उस जगह तक लाएंगी

बिफोर यू टेक द फर्स्ट शॉर्ट यू हैव इन योर माइंड जो केवीज है ना रेफरेंस हाँ. के ऊपर लाइट्स के रेफरेंस भी होते हैं हाँ. तो मैं उसकी प्रिपरेशन करके रखता हूँ अगर मैंने पहला शॉर्ट किया और मेरी एल सी डी के ऊपर वो पॉप अप हुआ शॉर्ट ठीक हाँ. है और उसके बाद क्लाइंट ने कहा नहीं यार इसके बाल सही नहीं है इस पर यह लाइट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है तो वो आप इसको चेंज करें

और शूट को रैप अप करते हैं। <laughs> क्योंकि मैं मैं बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा ना, ये आई नेसेसिटी के, के आप खाली दिमाग के साथ कैमरा ना उठाओ सही है कि यार मुझे कुछ पता ही नहीं देख लेंगे कुछ कर लेंगे हाँ। प्रोफेशनल्स ऐसे काम नहीं करते। नहीं करते, करते। लेकिन पता एजेंसीज की थोड़ी मैंटेलिटी ऐसी है कि कुछ भी हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल यार सेट पे मिल जाएगा ना अब मुझसे बोलते हैं यार मैं कहता हूँ रेफरेंस शेयर कर यार अभी भाई वहीं सेट कर लेंगे वहीं देख लेंगे क्योंकि पता है इसका रीजन है इसका रीजन है कि अब तक क्लाइंट जो है ना काजी वो इस चीज़ से नहीं निकला किस चीज़ से ये ब्रांड हाँ ये ये मैं। हमारा क्योंकि वो इस चीज़ से जब निकलेगा और इम्प्रोवाइज करके यू नो एक्शन में आएगा जो दुनिया आ चुकी है सही हम लोग चेंज नहीं हो सकते हम दुनिया का एक अच्छे से अच्छा शॉट शूट कर दे रेफरेंसेस हमारे सामने किलर्स आते हैं चैलेंजिंग किलर्स कि आप करके दिखाएं भाई आपने हिम्मत है तो आप करें हम उसमें सारा दिन लगा देंगे सही सब दिन लगा के टक 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 मजदूरी करके हम एवरीवनस एक्साइटेड मॉडल्स एक्साइटेड योर एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड कि यही प्रिंट करना है डूड यही करना है एंड में क्या हुआ अगर आपको यही करना था तो जैसे तो फिर आपने इतनी मेहनत तो उस पर क्यों करवाई सही बात है भाई तो ये थोड़ा सा मुझे होता है कि हमें थोड़ी सी क्योंकि इसकी वजह क्लाइंट बोलता है यार हम क्योंकि हमारी आवाम नहीं देखना चाहती अगर समाइम कोई ऐसी होर्डिंग्स थी आपने रिसेंटली अगर एक कैंपेन देखी हो जो बहुत वायरल हुई थी के की वेरी क्लोज अप शॉट्स थे वो कंजम्पन शॉर्ट्स खाने वाले वो रीजन शॉर्ट थी वो मुझसे जब करवाई गई तो इतनी वायरल हुई कि यू नो अच्छे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों में लेकिन लेकिन उस पर नहीं पड़े हाँ। एक दफा हुआ था बॉल्स की शूर्स के ऊपर ब्लैक बॉल्स पढ़ना शुरू हो गए थे कि भाई वो ऐसे कौन खाता है चौक बार है? है? अच्छा <laughs> अच्छा सही है नमाज ब्रेक थोड़ा करीब कर लो ना आबिद भाई ये ये इनफ और और ओके okay, ये ओके हाँ, हाँ, okay, हाँ. हाँ. आपको मैंने बताया था ना पहले बूम माइक ओके सर नो इशू सर नो इशू सर अल्लाह रब कहेगा आबिद भाई सो अगेन लेट्स गो बैक

और उसकी ज़बरदस्त मनापली होती थी वहाँ नो अब पी टी वी के अंदर एंट्री मारना काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि आप अंदर कैसे जाएंगे डायरेक्टर तक तो कैसे पहुँचेंगे वो एक डिफरेंट गेम है यार बहुत डिफरेंट है उसके लिए आपको फिर क्या करना होता था कि पी टी वी के बाहर गेट के बाहर एक लंबी लाइन लगती थी उस लंबी लाइन में हम क्यू में खड़े हो जाते थे अब वो क्यों खड़े होते थे भाई कि आपको शायद वन बाई वन अंदर जाना है ऐसा कोई सीन नहीं था कि आप अगर सारा दिन भी खड़े रहेंगे तो आप खड़े रहेंगे ऐसा सीन नहीं था सीन यह था कि आपको कोई भी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो पी में काम करते थे वो जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें सर प्लीज़ मुझे अंदर का पास दे दें पास सर प्लीज़ प्लीज़ तो वो प्लीज में अगर कोई मेहरबान हो जाता था हो जाते था अक्सर बेशतर तो आप फिर पी के अंदर चले जाते थे ओके okay. पी सेंटर के अंदर जाने के बाद ये भी नहीं कि आप अंदर चले गए तो एक्टर बन गए नेवर भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है आ, आ. <laughs> फिर आपको कुछ पंटर्स मिलते हैं बीच में यू you know, नो पंटर्स मिडिल yes. yeah. <laughs> <पंटर्स> मैं मैं आपको हीरो बना देता हूँ मैं आपको दादा से मिला देता हूँ मैं आपको ये कर देता हूँ मतलब बड़े डायरेक्टर्स से मिला देता हूँ ये बिग नेम्स हैं जो सीनियर्स होंगे वो समझ गए होंगे मैं बात करके कर रहा हूँ तो लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वो अगर आप में एक्टिंग स्किल नहीं है जो 90 परसेंट लोगों में नहीं होती ये मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि ये जो एक्टर होता है वो आपको फॉर डिलीवर करता है क्योंकि मेरे अंदर एक्टिंग स्किल नहीं थी मैं जितना भी फोर्स करता मैं नहीं डिलीवर कर सकता था तो लेकिन क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता हीरो, सब अपने हीरो समझते हैं मॉडलिंग आसान है एक्टिंग बहुत मुश्किल आपने है जब आप गए और आपने अपना ऑडिशन देना शुरू किया कि जी एक जगह से आप रिजेक्ट दूसरी जगह से रिजेक्ट तीसरी जगह फिर एक बड़ी पी आर वाले बंदे से यार प्लीज़ यार कुछ करवा दें यार कुछ करवा दें तो तस्नीम असलम एक डायरेक्टर थी बहुत अच्छी वेरी फेमस और उन्होंने ना एक सीरियल था फ़र्ज़ कर्ज़ पुलिस के ऊपर एक बना था फ़र्ज़ कर्ज़ हाँ पुलिस के ऊपर ना कि पुलिस को में अच्छा दिखाना था okay. कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी है बहुत शिकार करती है कराची की पुलिस है पाकिस्तान की कराची पुलिस। की पुलिस यस yeah. <laughs> <सथी। laughs> तो उसमें जो हीरो था वो हमायो सही था वाओ wow. यस yes. 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 और हमायो <laughs> का भी डेब्यू था फर्स्ट क्योंकि हमायो ने प्राइवेट एज अ एक्टर फिल्म बनाई थी प्राइवेट फिल्म फिर उसके बाद क्योंकि वो टैलेंट माशाल्लाह हमायो सईद यू नो हमारे अच्छे दोस्तों में से और उसका भी वो उसमें हीरो था और तेडीन एपिसोड का वो एक प्रोजेक्ट था पूरा okay. तो उसमें मुझे हमाइयों का भाई कहीं कोने खांचे में ना छोटा सा फिक्स कर दिया उन्होंने सही ना? तो जी वो पायलट शूट हुआ तो जो पायलट शूट हुआ ना क्योंकि पुलिस और चोर पुलिस की कहानियाँ थी तो भाई जो है मेरा करेक्टर शुरू में सिर्फ ये था विदाउट डायलॉग डिलीवरी आपको ना एक्शन थे कि मैं स्नैच करता हूँ है ना गाड़ी स्नैच करता हूँ बंदे को गोली मारता हूँ और मैं भागता हूँ पुलिस मेरे पीछे भागती है वो बला सिचुएशन थी पूरे तो पायलट शूट हुआ तस्लिम वस्लिम ने कहा भाई ये तो एक्टर हमारे पास आ गया क्योंकि बगैर बोले हुए था ना <laughs> क्योंकि आगे के एपिसोड्स में बोलना था तो वो बोलना ही तो डिफिकल्टी होती है तो अच्छा सीन हुआ भाई ठीक है और आबिल सलीम यू लॉक्ड सीरियल आ, के अंदर तो एपिसोड लॉक्ड हो गए फिर पता नहीं क्या हुआ पी में तमाम डायरेक्टर्स ने ना एक यूनियन बनी हुई होती है उन्होंने कहा यार ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें किसी एक डायरेक्टर को ये सीरियल दे नहीं सकते हम तो ये तेरह डायरेक्टर्स के पास एक सौ तेरह एपिसोड पर सर्च कर दो मतलब तेरह डायरेक्टर्स हर एक को एक एक, एक एपिसोड मिलेगा इंटरेस्टिंग यस ये उन्होंने कहा तमाम डायरेक्टर्स वरना क्या होता है कि पूरा सीरियल चल गया तो बाकी ग्यारह बारह डायरेक्टर्स जो हो थे वो क्या करेंगे उनको भी काम मिलना चाहिए तो ये तेरह लोग तेरह डिफरेंट डायरेक्टर्स हर अपनी एक डिफरेंट कहानी के साथ आएगा तो क्योंकि मैं पायलट में था तो एक अल्लाह बख्शे उनकी हो गई इंतकाल हो गया अच्छा। मंजूर मक्सी डायरेक्टर okay. थे वो उन्होंने मुझे लिया अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं इसको ले लिया था यंग को बाकी हमारे को पे तस्लीम नहीं ले लिया था तो सर जी वो एक्टिंग जो है वो एक्टिंग बस वही रही समझ जाए <laughs> उसके बाद जब हम कहता भैया तुम तो डूबे हमें भी डे डूबे <laughs> 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 पता बता बजे दसवर फिर मुझे दो दिन के लिए उन्होंने कासिम जलाली मंजूर मक्सी ने कासिम जलाली के कमरे में बिठा दिया था कि आपने यहाँ बैठ के डायलॉग याद करने हैं ओके okay. तो मैं उनके सामने बैठ के जो है ना वो डायलॉग्स पढ़ता था और याद करता था और उनको सुनाता था और यार क्योंकि ये मेरा फील्ड बिल्कुल नहीं है एक्टिंग mm. मैंने बताया ना कि बहुत डिफरेंट फील्ड है फिर जब वो रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड भी हुआ चल भी गया लेकिन जब चलने के बाद एक स्क्रीन के पास से मैंने अपने आप को स्क्रीन पर देखा तो मैंने कहा डिसाइडेड सेम डे कि मैंने इस फील्ड के लिए नहीं दिस इज़ नॉट हाँ not मेरी फील्ड नहीं है ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद मुझे देख के शर्म आ रही है क्योंकि मैं मिस बैठूँ उस फील्ड के लिए mm -hmm. तो मुझे जिस फील्ड में जाना है मुझे उसमें एफर्ट करना है क्योंकि मैं हल्के फोटोग्राफी कर रहा था मैंने बता था इससे पहले मैं फोटोग्राफ़ी तो कर ही रहा था मैंने कहा मुझे लगता है मैं उसी में फिट फिटूँ मुझे लगता है क्योंकि मुझे चांस मिल रहा है और काम हो रहा है और पेमेंट आ रही है क्योंकि एट दी एंड सब आदमी कमर्शल्स होते हैं क्योंकि अगर पेमेंट्स आ रही है आपको फीडबैक मिल रहा है रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है तारीफ हो रही है और पैसे आ रहे हैं मेन चीज़ आपकी इनकम हो रही है तो आप समझते हैं कि यार मैं इसी फील्ड के लिए बनाऊँ

कीपिंग इन माइंड वट बिफोर अबाउट योर एटीट्यूड फिर वही वाली बात कि आपने अना का मसला नहीं बनाया नहीं है तो नहीं है नहीं है आगे चलते हैं देखिए इसकी वजह ये ना अब वहाँ मेरी जो पी में दोस्तियाँ हुई और दोस्तियाँ एक बहुत बड़े स्टार्स लोगों से शुरू हो गई अब्दुल्ला कादवानी से मेरी वहीं पे दोस्ती हुई और बहुत आपको पता है इस वक्त जियो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वही है राइट right? और वो माशा ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड ओके अब्दुल्ला है कैसरा है यू you नो know, ये जहाज है ये सारे ऑलमोस्ट जितने स्टार्स हैं हमें पी टी वी पर मिले थे ना यासर है तो ये सारे हमें वहाँ से दोस्तियाँ हुई ऑबियसली वो एक्टिंग ही करते रहे फिर डायरेक्टर्स एक्टर कम डायरेक्टर्स बन गए लेकिन मैं प्योरली फैशन फोटोग्राफी के बाद फिर मैं कमर्शल्स में आ गया फिर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आ गया एक्सेप्ट वेडिंग शादी मेरा मीडियम नहीं है बाकी तमाम मीडियम्स में मैंने काम किया अच्छा सो सो लेट्स लेट्स गेट इनटू दैट फॉर अ मिनट यू आर वेरी वेल नोन फॉर योर कमर्शियल वर्क एंड बाय कमर्शियल आई मीन एड्स जी टी वी सी स्टफ लेकिन यहाँ पर uh, कराची में या हमारी इंडस्ट्री जनरली में ये बात की जाती है कि यार अच्छा मैं फ़ैशन फोटोग्राफ़र हूँ

है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट लाइटिंग मूड्स होते हैं अब जो सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है अब क्या है कि अगर आप कहीं भी फंसते हो आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं आपके पास ट्यूटोरियल्स दिखती है यार मैं बताऊं इतना ईजी अगर आपको बेसिक्स है फोटोग्राफी की ट्रस्ट में कोई भी ट्यूटोरियल्स की वीडियो देख के आप आइडिया लगा लोगे कि यार ये तो ऐसे शूट हो जाएगा सिम्प अब तो सैंपल्स रख के उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया वो जो सीक्रेट्स थे ना हाँ वो सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया आपके पास तो अब आपको हाँ। पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि यार आबिद तो सिर्फ फैशन करता है नहीं आबिद तो कमर्शल कर नहीं आबिद तो हर काम करता है क्योंकि शादी क्यों नहीं करता इसकी वजह है शादी में क्योंकि हम लोग जो है ना वो है आ, कमर्शल्स के लोग या फैशन के लोग अपनी मर्जी से सौ सौ शॉट लेने वाले सही एक शॉट के पीछे हम लोग सौ शॉट लेंगे कि यार नहीं सेटिस्फाइड चाहिए क्लिक चाहिए क्लिक चाहिए शादियों में दस शॉट है तो वो दस शॉट ही हैं अच्छा बेटा तो बड़ा जबरदस्त सीन हुआ है बहुत जबरदस्त शादी मैंने एक की और फिर क्यों छोड़ दी कौन सी किस साल में की गया गया। यार मैं उस तो कर रहा था काम काफ़ी चल अच्छा, रहा था उस वक्त दस बारह साल लगा अच्छा। ले रैंडमली टैलेंट आया और उसने ना मुझे बोला कि आपसे ना शादी की फोटोग्राफी करवानी है मुझे दूसरे ने फोन किया यार भैया ये आप करें और इसको तो कैश पेमेंट सही है शादी वाले आपको एडवांस देते हैं आप एल्बम देते हो और वो आपको पूरी पेमेंट कर देते और आपकी फील्ड में तो तीन तीन महीने का हमारा क्रेडिट्स होता था कि फिर जाके ना पेमेंट रिलीज़ होती थी तो मैंने कहा हाँ यार तो कैसा ही कहता है इसको करना चाहिए उसके कहने पर मैंने वो इनिशेटिव ले लिया अच्छा वो एक लकली है ख़ात उन्होंने हाँ। मेरा फैशन पोर्टफोलियो पूरा देखा हुआ था हाँ उन्होंने बोला मुझे ये बना दो नहीं नहीं वो, हाँ, <laughs> exactly वो आए हाँ एग्जैक्टली ये वो आई और उसने मेरे सामने करीना कपूर यू नो और हाँ। बड़ी स्टार जो बड़ी इंडियन फेमस स्टार जो उन्होंने हाँ। बड़े बड़े हैवी जुब्बे और हाँ। जो क्लास के जो कपड़े हाँ। गाउन शाउन को पहने हुए थे एग्जैक्टली वही रेफरेंस लेके आए हाँ वो मेरे पास आ गए हमें अच्छे चाहिए मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है वो तो पूरा ही डिफरेंट एक फील होती आ, है लेकिन हम कोशिश करते हैं और वो खुद माशाल्लाह जी आ, मैं जी ये बोलने वाला था अब मैं आ, आपको फोटो दिखाऊंगा ब्रैड पिट की <laughs> आबेद भाई ये, ये चाहिए गुड <laughs> <है। बुड़, बुड़। laughs> तो सर मैं अच्छा सोने पे सुहागा ठीक है कोशिश कर सकते हैं आप ठीक है हम कोई भी आदमी हर आदमी अपने आपको डिफरेंट फीचर्स है कर सकते हैं काजी भाई वो खातून मेरे पास उसने कहा जी मैं छः बजे शार्प आपके पास आ जाऊंगी ठीक है मैंने कहा हाजिर। हाँ? छः बजे मैं अपनी लाइटिंग सेट करके बैठ गया हूं, वेट कर रहा हूं कि आएंगी वो फिल्म शूट करेंगे वो आएंगे कुछ साढ़े सात पौने आठ बजे है। है? चलो भाई लेट हो जाता कोई बात है। आते बंदी आई है जल्दी से जल्दी से शूट करते वो जो है वो हॉल में मेरा वेट कर रहे मेरे घर से फोन आ रहे थे हार्डली मैं खाल है उसकी पंद्रह से दस तस्वीरें बनी होंगी यार उसके पास उसके इतने फ़ोन आ रहे हैं जैसे होते ना शादी पे अब्बा का फ़ोन अम्मा का फ़ोन यार आप लेट हो रहे हो गेस्ट आ गए इस तरह से तो उन्होंने कहा जल्दी से कर दे मुझे जाना है जल्दी से कर उस जल्दी जल्दी में जो बंट हुए क्योंकि जो मुझे वो एडवांस पे करके गई थी और वो आपको पता है फिर मेरे पास जो पिक्चर्स आई मैंने एक शादी फोटोग्राफर को बुलाया जो मैंने तस्वीरें पंद्रह बीस खींची थी एक शादी जो इवेंट्स की अच्छी फोटोग्राफी करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं क्रॉपिंग करके ना मैंने उनको बुलाया मैंने कहा यार ये पंद्रह तस्वीरें इसको आप पचास में कन्वर्ट कर दें कलर्स वलर्स चेंज करके यू ना ब्लैक बड़ा उनका ट्रेंड है वो ब्लैक एंड वाइट कर दिया लिपस्टिक लाल कर दी वो तो एक कुछ चीज़ें छोड़ के जो टिपिकल शादियों का इवेंट्स होता है यार वो एल्बम कम्प्लीट कर दी उन्होंने मुझे ला दे दी और वो आई हैं कोई पंद्रह दिन के बाद वो एल्बम दे दें मैंने कहा मैं नहीं हूँ उनको बोलना ये एल्बम है और ये एडवांस का अमाउंट है हमने भी नहीं लेना हाँ। तोहफा है आप लिखे और चले जाए ट्रस्ट में वो मेरा शूट पहला आपको या तो सपोर्ट मिले ना आप जैसे बाहर होता है आप तो माशाल्लाह कनाडा में रहे। hmm. ये ना वाइट गाउन सेशंस के लिए डे में निकल जाते हैं आप इस तरह सेशंस ना जैसे होते हैं आप इस तरह मुझे भी टेंशन में ला रहे हैं खुद भी टेंशन में आ रहे हैं तो ये मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकता ये वो लोग बच्चे माशाल्लाह बहुत क्लेवर हैं वो वहीं पे जाके बैकग्राउंड्स लगाते हैं कट प्रैक्टिस करते हैं फेक्स करते हैं उनको पता है किस तरह हैंडल करना है इनको सही। मैंने कहा यार ठीक है मैं नहीं कर सकता हाँ। अगर मैं करूँगा तो मेरी टीम के बॉयज चले जाएंगे लेकिन फिर बॉयज़ भी क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो मेरी शूट्स में मेरी टीम मेरे साथ होती है आपको पता अब तो मैं विदाउट टीम काम नहीं कर सकता एक लाइट भी नहीं पकड़ सकता अलहमद अलहमदिल्ला नहीं वो रीज़न ये कि क्योंकि डिलीवर करना होता है ना अब मैं होता कि अब मुझे नहीं पता अब टीम माशा बड़ी, बड़ी है तो आगे पूरा हैंडल करती है फिर मैं जाके शूज कर रहा सही बेस्ट आम, फिर वही वाली बात कि हमने पहले ही बोला था हम इस तरफ आएंगे इंस्टाग्राम जनरेशन यू नो एवरी वन हैज एवरी सलीम आरिफ महमूद कैमरा एर हैज मनी ठीक है ना हर किसी को जॉब छोड़नी है पहले दफे में सही सात <laughs> साल किसी को नहीं लगाने हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दैट बिकॉज एंड अगेन इसमें यह भी यहाँ पे यह भी मैं बोलूंगा कि पोस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है yeah. इतनी स्ट्रांग हो गई है hmm. आपका फोटोशॉप जो 2022 वाला फोटोशॉप है सिर्फ hmm. आधे से ज्यादा काम तो वो खुद कर देता है True. मास्किंग करनी है

हरी यू बिकॉज आप ऐसे जमाने से आए जहाँ पे कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होती नहीं थी, थी। देखो मैं बताऊँ मैंने बताया ना हर नई चीज़ जो इनोवेशन होती है किसी भी चीज़ में मैं उसका फैन हूँ ओके okay. मतलब ट्रस्ट में लोग okay. बोलते हैं जब मैंने डिजिटल से एना से डिजिटल पे आया तो लोग बोलते थे मुझे यार ये डिजिटल तो ख़त्म हो जाएगा ये जो ट्रांसपेरेंसीज का दौर होता है ना मीडियम फॉर्मेट ये हमेशा रहेगा आज कहाँ है कितने अर्सों से आप कैमरे कहाँ हैं आपके पास खत्म केमिकल ख़त्म हो गए सारे हाँ, जो ई सेक्स प्रोसेसर थे हम तो देखो तो ये दौर पे हमने देखा ना नेगेटिव को क्रॉस प्रोसेस करते थे अफेक्ट्स करने के लिए जो आज लाइट रोम कैप्चर वन के अंदर होते हैं यू नो सेटिंग्स होती हैं आप इमिजिएटली अपनी एक पिक्चर को पचास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ठीक हाँ, हाँ, है तो वो एक सेकंड में एक बटन दबाने पे जो वाओ फैक्टर्स आ जाएगा यार आ ग्रेट यार तो ये तो एडवांस टेक्नोलॉजीज है ना इसको आपको अडॉप्ट करना है आप लोगों के कहने पे नहीं कर सकते कि यार ये आबिद सलीम आप जो है सिर्फ डिजिटल्स पे है नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा ये मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि नेगेटिव ख़त्म हो गया तो हो गया अब आगे क्या आएगा आज हम ये सोचते हैं कि आगे क्या आएगा हमें नहीं पता आगे क्या आएगा लेकिन आगे कुछ और एडवांस चीज़ें आएंगी क्योंकि ये दुनिया रुकने वाली नहीं है नहीं। ये टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है कोई भी टेक्नोलॉजी हम जहाँ सोचते हैं ना वो आगे सौ साल पहले की चीज़ आगे की चीज़ बना चुके हैं तो वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है ऐसा ही है जैसे फॉर इंस्टेंस डेज जो उनका कैमरा भी कमाल होता है बिल्कुल राइट एंड आपसे ज्यादा सवाल <laughs> इस तरीके से बिल्कुल किए जाते होंगे भाई हाउ डू वी गेट इज़ द स्टार्टिंग वट इज द वे वी स्टार्ट इन टू फोटोग्राफी बिल्कुल right? बिल्कुल तो आपका अमूमन क्या जवाब होता है यार मेरा वेरी सिंपल आप वो बोलते हैं कि हमें स्टार्ट भी करना है और पैसे भी कमाने है फॉरन से हाँ इंस्टेंट मतलब यार पॉसिबल कैसे है देखो या तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं अगर आ, शादी सीज़न है जिसमें बहुत आप अगर फोटोग्राफी जानते हो शादी सीज़न आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ बची हुई है तो आप दोस्ानी ये जो जितने भी यू नो शादी के स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर्स जहाँ पर अपने पूरा एक बैठे हुए होते हैं ग्रुप होता है वहाँ जाके आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको यू नो एक एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं आप शूट वाले दिन शूट पे लेते हैं और नेगेटिव्स उनको दे देते हैं बाकी वो हैंडल एवरी थी एडिटिंग नहीं करनी जी जी बिल्कुल तो ये वाला सीन होता है लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी आपको इंस्टेंट कमर्शल्स में आना है तो वो डिफ़िकल्ट है उसके लिए आपको कमर्शियल फोटोग्राफर के साथ लिंक बनाना पड़ेगा जब कमर्शियल्स की दुनिया के लोग एजेंसीज़ की दुनिया के लोग आपको देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ ही होंगे लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास सबको पता है तो स्पेस नहीं होती अगर होंगे तो वो देखते रहेंगे एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा चार दफ़ा और उनको आप मौका देते हैं कि यार आप शूट भी करें तो सेकेंड टाइम क्या होता है अगर आप बीमार हैं आप किसी साइमटेनियसली किसी शूट यू नो डिवाइड हो गया शूट और आपकी शूट आप पे कर रहे हो ये वाला अच्छा यार इसमें पैसे ज्यादा है इसको लेते हैं कि इसमें हम पैसे क्या है मैं इसको छोटे को भाई देते हैं तो वो फिर आपको चांस ऐसे मिलता है तो वो छोटा बड़ा बनेगा देखो यही तो गेम मैं बताना चाह रहा हूँ हार्ड वर्किंग और ब्लैस्ट यही दो गेम थे जो मेरे ऊपर एग्जांपल्स अल्लाह ताला ने दिखाए तो वो यही मैं तमाम यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि 99 परसेंट हार्ड वर्किंग होती है और एक परसेंट होता है ब्लस अल्लाह ताला जिनको ऐसे पकड़ता है ऐसे बिठा देता है सही पता है नहीं कौन सी नेकी पता नहीं क्या चीज़ ये अल्लाह जानता है अल्लाह हाँ। की मसलत अल्लाह जानता हाँ। है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ और फिर उसको लेके चलना वो भी अल्लाह जानता है देखो ना अगर आपको फेम मिल जाता है इमिजिएटली तो आप समझते हैं कि आपको संभाल सकते हो नहीं नहीं नहीं, नहीं। सँभाल सकते मुझे आ, नहीं पता जैसे मैं को बोला मुझे नहीं पता कल क्या होगा यार एक सेकंड का मुझे नहीं पता कल क्या होगा तो इसकी वजह मैं यही बता रहा हूँ कि इसके लिए डर लगता है कि अल्लाह जब इज़्ज़त देता है ना तो इज्जत के साथ ही हम इस दुनिया से चले जाए तो बड़ी चीज़ होती है बहुत बड़ी बात है जी अल्लाह रही कहेगा बीच में आपने दस साल छोड़ दिया था जी फैशन फैशन क्यों ये देखिए फैशन में ओबियसली आपको पता है मैं लक्स के अंदर नॉमिनेट तीन दफ़ा हुआ हूँ और कोई नॉमिनेशन कोई क्राइटेरिया नहीं था कि जी हम बेस्ट फोटोग्राफर्स हैं एक टीम अच्छी सपोर्टिव टीम आपके साथ होती है तो आप नॉमिनेट हो जाते हो अच्छी मॉडल अच्छे मेकअप आर्स अच्छे कपड़े अच्छे ड्रेसेस तो खुद ब खुद ही वो चीज़ें पॉपअप करती हैं और फिर आप नॉमिनेट हो जाते हो क्योंकि वो लोग भी नामिनेशन पे होते हैं मेकअप आर्टिस्ट भी स्टाइलिस्ट भी है ना ऑटो वाले भी वो भी सब नामिनेशन पे होते हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली आ जाते हो एक इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉबी है सही अगर हम भी जो थे एक लॉबी बच जाती कि यार ये इस ग्रोप में काम करते वो लॉबी इसलिए होती है एक कम्फर्ट जोन होता है आप अगर मेरे साथ काजी भाई अटैच हो गए हमारा कम्फर्ट जोन मिल गया तो हम आप तीसरे को प्रेफर नहीं करोगे आप हमारा एक टीम हाँ। बनी हुई हम काम कर हाँ, रहे हैं यार हाँ, अल्लाह हाँ। का शुक्र हम काम कर रहे हैं तो यही चीज़ें पहले होती थी जब थर्ड टाइम मैं नॉमिनेट हुआ तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है इंसान को पहली दफ़ा जीतेंगे दूसरी दफ़ा जीतेंगे जब तीसरी दफ़ा हुआ तो मैंने कहा नहीं यार आई थिंक नहीं जीतेंगे मेरा ख्याल आदमी सोचता है कि शायद नहीं जीतेंगे तो फिर मैंने आ, डिसाइड किया कि मैं बाइकआउट करूंगा और मेरे साथ दो चार और भी लोग थे तो फिर हमने हमनेट ये होता है कि हम पोर्टफोलियो नहीं देंगे सही ये नहीं होता कि हम लिख के दे नहीं, रहे हैं नहीं, को ऐसा नहीं। कोई पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है कॉपी राइट नहीं है हाँ। कुछ नहीं है तो हमने डिसाइड यही दोस्तों ने किया कि यार अब हम पोर्टफोलियो नहीं देंगे ठीक है क्योंकि आप पोर्टफोलियो दोगे तो नॉमिनेट हो गए तो हम पोर्टफोलियो नहीं दे रहे थे तो नॉमिनेशन नहीं आती फिर दस साल का गैप इसलिए हुआ कि ये बताओ ना कि हर चीज़ एक अच्छे के लिए आती है सही तो जब वो चीज़ ख़त्म हुई तो कमर्शल का लोड मैक्सिमम हो गया और कमर्शल जो है वो इससे थाउजेंड टाइम बेटर है। फाइनेंशियली well, आल्सो okay. okay. yes, yeah. yes, yes, yes. uh, इस दौरान लॉकडाउन का भी जमाना आ गया था uh, ये करोना वगैरह का ये कोरोना नहीं 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 ये तो पुरानी बात है अच्छा मैं आपको स्टार्टिंग थर्ड टाइम के बता रहा हूँ हाँ। तो फिर उसके बाद दस साल का गैप रहा ना हाँ। फिर जब अब आप करोना आया देखिए कोरोना से हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शूट जो थी वो खत्म हुई है खत्म हुई है वो इसलिए हुई है हर हर मुल्क लॉकडाउन था सब कुछ बंद था तो शूट क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी बड़ी शूट्स बैंकॉक स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है थाईलैंड में फिर यू ए में, क्यों होती में। है चीप है इसलिए यार दो तीन रीजंस हो सकते हैं <laughs> देखो एक <laughs> तो ऑब्वियसली उसकी जो अमाउंट कॉस्टिंग है ना हाँ? टर्की थाईलैंड और पाकिस्तान आई थिंक सो बराबर ही है ओके okay. मेरे ख़्याल में और यू एक्सपेंसिव है दुबई okay. दुबई okay. महंगा है जो आपके यूरोप को कंपेयर तो करता है और प्रोफेशनज़म बहुत ज़्यादा है और थर्ड रीज़न मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है क्योंकि उस वक्त जो टैलेंट था बेशक वो ब्रांड्स ले रहे थे वो इंडियन टैलेंट्स भी काफ़ी आ रहा था okay. जो काफ़ी रीजनेबल पड़ता है okay. हमारा फेमस मॉडल से वहाँ का इंडियन टैलेंट क्योंकि आप उसको बेच सकते हो महंगा यू नो क्या क्या आपको क्या पता मैं बोलो यार ये लड़की बहुत फेमस है इंडिया में तो सारी फेमस है हा? ना दिखा दिया अच्छा पोर्टफोलियो वेरी फेमस इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम दिखा दिया तो उन्होंने वो दिखाया भाई इसको ले लो यार इसको लिया उन्होंने और जो है रीज़नेबल 500 सौ डॉलर छः सौ डॉलर आई थिंक सुपर शूट तो उनको रीज़नेबल पड़ता है और पता है एडवांटेज एक और भी है वो ये है कि आपको बैंकॉक में ना ब्राज़ीलियन मॉडल बहुत मिलते हैं ओके okay. ब्राज़ीलियन फेसेस काफ़ी सिमिलर हमारे फेसेस के साथ इंटरेस्टिंग ये नहीं बहुत, नहीं। बहुत अच्छे वेरी सिमिलर मतलब आप अगर आप ब्राज़ीलियन मॉडल देखें फीमेल और हमारे यहाँ की अच्छी खूबसूरत लड़की देखें तो आपको लगेगा कि सिमिलर कलर्स भी हैं हमारी तरह की के गोरी हाँ। भी है रिश्तेदार हैं जैसे थोड़े थोड़े से अब सही <laughs> <laughs> सही है सही है बट द प्रेफरेंस क्योंकि वो फिट ज्यादा होते हैं या क्या नहीं यार मुझे लगता है कि प्रोफेशनल बहुत ज्यादा है हमने जब काम करते हैं ना देखो उनमें ना नहीं होती ओके मुझे जो मजा आता है ना बाहर जाके काम करने का इसकी वजह ये तो बहुत ही हाईली प्रो होते हैं और उनके लिए बड़ा उनके एक ख़ुशी का आलम होता है कि यार हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क के लोग काम करने आते हैं इंटरेस्टिंग। जब हम लोग वहाँ पहुँच के काम करते हैं तो वो हमें मैक्सिमम देते हैं कि ये बार बार आए हमें जॉब दे रहे हैं ना वरना हमारे मुल्क में तो पाकिस्तानी आर्ट शूट हो ही रहे हैं फैशन शूट्स हो ही रहे हैं अगर हम ही बाहर जाके करेंगे तो हम उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं hmm. कि यार उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हम ना उन सब चीज़ें हो रही और भाई फिर ऐसा भी है ना कि हम भी बाहर वाले को ज़्यादा पैसा देना प्रेफर करते हैं यह डिपेंड करता है पैसा मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में जो बैंकॉक की प्रोडक्शन है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है फोटोग्राफ़र की बात कर रहा हूँ देखिए फोटोग्राफर भी मैं बताऊँ कि जो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बेचना है अगर बड़ा ब्रांड है तो उनके लिए कोई लाख दो लाख चार लाख रुपया पाँच लाख रुपया एक्स्ट्रा निकालना नॉट अ बिग डील नो नो या तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं है देखो मसला प्रोडक्शन हाउस को आपको बेचने का हम लोग हम लोग कैसे जॉब करते हैं देखिए हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग कैसे जॉब करते हैं आप हमें बेचते हो प्रोडक्शन हमें बेचती है हाँ. ठीक है ना मुझे नहीं पता मुझे अभी कॉल आएगी आबिद कल शूट है आबिद ने तो कोई मार्केटिंग नहीं किया को तो कल शूट आबिद कैसे कर रहा है वो प्रोडक्शन हाउस जो क्लाइंट से मीटिंग चल रही है जो कमर्शल प्लान हो रहा है उसके लिए वो जहाँ पर जब डिस्कशन हो रही है तो वो एक फोटोग्राफर पैनल पर बैठे हुए हैं कि यार ये तीन फोटोग्राफर्स हैं इनमें से आपने किसको बुक करना है क्योंकि मेरे लिए तो वो काम कर रहे हैं ना तो मेरे लिए वो सुपीरियर्स हैं बेशक प्रोडक्शन हाउसेज हो एजेंसीज हो या वट एवर कोई भी जो आपको क्योंकि विदाउट मार्केटिंग हम लोग मार्केट नहीं करते हम लोग अपनी मार्केटिंग सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉर्म में करते हैं बाकी आपकी मार्केटिंग वो नहीं कर सकते कि मैं आपके पास आऊं नहीं देखो हो नहीं, देख, नहीं कर हाँ मैं अब जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है आप मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि यार अच्छा ये शूट रबिद ने किए ओकेट गेट ये yeah. चाहिए हाँ ये मेरे क्लाइंट को चाहिए सही, hmm. सही, सही, सही. And you said आपके जो इंस्टाग्राम uh, है वो योर सन हैंडल्स ठीक है हाउ हैव यू दो इन्जॉय बिकॉज द थिंग इज नाउ पहले एक जमाने में होता था देवर फोटोग्राफर्स

क्या आप उनको आंखों हाँ, में आंखें देखोगे काउंटर करो देखो, तो देखो, करूं। देखो वो आसमान हाँ। से उतरे हुए लोग नहीं है ना हम लोग आसमान से उतरे हुए लोग ठीक है मसला कुछ भी नहीं है काम मैक्सिमम है और बहुत ही कॉपरेटिव है आपको लगता है कि ये सेलिब्रिटीज एटीट्यूड मुझे नहीं पता आपने मुझे बोला था लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है नहीं अभी आई थिंक सो कुछ एक हुआ होगा तो मेरे अपने ही वजह से हुआ होगा मैं मैं उन उनपे ब्लेम ही नहीं करता उन्होंने तो एक वर्ड नहीं बोला आई थिंक कोई इंडस्ट्री में बात होगी कि मैं नहीं काम कर रहा है कुछ है तो वो मेरा ही ब्लैंडर है hmm. uh, मैं ओपनली आपको इसको बता रहा हूँ कि वो उनका ब्लेंडर नहीं हो सकता उनको पता ही नहीं बिचारूंगा hmm. मैंने खुद कह दिया मैंने खुद अपना ईगो का मसला बना लिया होगा तो ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई कि योर एटीट्यूड जनरली इज सो गुड कि वो नहीं करते आपकी बिकॉज अगेन इवन विध सेज द रीजन वाई दे की मैं जॉब so ना मैं पैसे वैसे कमाता हूँ उनका यही है 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 सही है? This is how they earn money. सही जरियां so no <laughs> एक तरीके से अनफॉर्चुनेट सी बात है <laughs> लेकिन उनके दोस्तों उनके यार उनकी फैमिली हो कोई भी अल्लाह रहम करे ऐसी भी बहुत मैं एक, uh, sad picture paint <laughs> कर रहा <हूं। laughs> लेकिन क्योंकि अब देखो ना दे मनी मेकर इज लिटरली दिस

आपके सामने वाला भी आपके लेवल का है तो वो डिस्टेंस नहीं रखेगा नहीं रखना चाहिए नहीं हाँ। रखेगा वो रखेगा भी नहीं ओके और अगर वो लेवल का नहीं है ठीक है तो वो डिस्टेंस करने की कोशिश करेगा ओके कि यार जल्दी करो जल्दी करो हो गया लेकिन हाँ। वो उसकी वजह से ये नहीं होता वो ये समझता है कि यार मेरा जो इमेज बिल्डअप हो गया ना तो इनको अगर ए प्लस चीज़ें ले रहे हैं तो इनको ए प्लस चीज़ों पर ही जाना है समझ रहे मेरी बात वो ये है इसलिए वो नहीं कहता क्योंकि सम होता है कि यार आपने किसको लिया है इनका कोई प्रोफाइल है वो बेशक मेरे से या कोई भी प्रोफेशनल से हंड्रेड टाइम बेटर हो लेकिन क्योंकि एक मार्केट ट्रेंड है ए है तो ए, ए, ए। हमने सब ए प्लस चीज़ें डाल दी ए प्लस चीज़ें भी भंड कर सकती हैं यार एक्टर भी कर सकता है बॉडल भी फोटोग्राफर भी डायरेक्टर भी तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है कभी एकदम से आप हाइप्रेड होती है कभी एकदम से आप डिक्लाइन पे चले जाए तो ये कोई रीज़न नहीं है सिर्फ रीज़न ये है कि एक बिजनेस गेम है जो एजेंसीज़ करती हैं क्लाइंट्स से कि ऑबसली उनको पता है क्लाइंट के पास जब पैसा बहुत होता है ना वो कहते हैं यार हमें तो ए प्लस चाहिए और हमें जब ले लिए ए प्लस और जब क्लाइंट के पास वैसे नहीं होते तो फिर बोलते हैं यार बस ये डिजिटल फिल्म है इसको छोटे से लेवल्स पे हाँ। करनी है तो आप बस डिजिटल पे लो अच्छा डिजिटल हाँ। और फिल्म के लिए बड़ा जबरदस्त हाँ। सीन हो गया हाँ। अभी भाई ये डिजिटल है तो, अच्छा तो आधे पैसे कर दें और तो भाई वो उसी तरह टीवी पे चलाना है आपने अच्छा डिजिटल का क्या के डिजिटल इज सोशल मीडिया पे चलने का लेकिन वो टीवी पे भी चलता है बाद में इंग्लैंड किया वो टीवी पे भी चले अभी भाई आपका काम कम तो नहीं लग रहा ना तो आप आपसे कम पैसे कैसे करवा रहे हैं सर वो रीजन वही है ना डिजिटल देखिए इन्होंने दो फॉर्मेट बना कि यार एक हम टी का फॉर्मेट ये और डिजिटल का ये टी वी सी पे हमें फॉर एग्जाम्पल दस लाख का बजट होता है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बजट माशाल्लाह आपको है माशा और डिजिटल का बजट मतलब टी वी सी वालों का मेरा नहीं है पता देखा मेरे पास आ जाए लोग अच्छा मैं फिल्म का तो बाकी जो है ये वाला हाफ होता है उनके लिए तो इसमें उनको हाफ में तब आम चीज़ें मैनेज करनी होती है जिसमें फोटाग्रोव भी होगा डायरेक्टर भी इस होगा इसका बनता है आपके ख्याल में यार ये बताया ना गेम है ना देखो होता क्या है वो कभी डिजिटल पे नहीं चलता ये क्लाइंट का गेम हो सकता है प्रोड्यूसर से भी कम कर प्रोड्यूसर का भी भंड नहीं है उसमें ये क्लाइंट सम टाइम होता है कि यार बस डिजिटल पे हम चलाएंगे बस ये कर दो कल को बोलते हैं टी वी भी चला दिया फलाना जबकि मैं तो कहता हूँ कि मासिस तक तो डिजिटल जाता है आज के दौर में हम ये बैठे हुए जो बात कर रहे हैं ये इतने लोगों तक जाएगा इन इनशाला इनशाला टी वी पर नहीं जाएगा ना आप टी वी पर चला दें किसी बड़े चैनल के ऊपर लोग नहीं देखेंगे लोग तो पर... सिर्फ माशा वो देखेंगे हमारे स्मार्ट पॉलिटिशियंस को स्मार्ट पॉलिटिशियंस को जी जो <laughs> बिल्कुल है स्मार्ट है अलहमद नहीं अभी तो उसमें तो ये भी इशू होता है ना कि वो एड ब्रेक हो गई दस पैनल पैनल रखा उसमें दस लोग बैठे हुए हर किसी को अपना मौकफ बयां करने के सिर्फ पांच मिनट दिए गए ऐसे तो नहीं होती, नहीं होती, होती है, है।, है देखो ना ये आप अंदर की जो बातें निकलती ना वो इस जगह से नहीं हाँ आपके पास टाइम तो अगर आपके पास देखने वाले को मजा नहीं आ रहा वो लास्ट में पांच मिनट के बाद हमें ऑफ कर देगा अब बैठे हमारे बेकार है अगर उसके मतलब की चीज़ है और मतलब कि उस वक्त आएगी जब उसको

मतलब सुपरफिशियल दूसरे दूसरे बंदे को अपनी आपकी जिंदगी देखनी होती है थोड़ी सी हाँ। यार ये मेरे कुत्ते हैं ये मेरे बच्चे <laughs> ये मेरे बच्चे कुत्ते हैं ये, मेरे है, ये, मेरी है, ये मेरा घर है, है। ये मैंने वर्कआउट किया भाई जैसे बहुत से लेकिन असेंशियलीड व्हाई डू यू वांट टू सी इट वाली बात है ना वो एक बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है अपना काम कर रहा है आपकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है जो आप उसको इतने मतलब इस तरीके से देख रहे हो इस तरीके से फॉलो कर रहे हो और ये मैं सबसे पहले अपने ऊपर क्योंकि मैं उनकी हर वीडियो देखता हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है हुँ, 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 हुँ. लेकिन मैं ये सोचता देखिए कॉन्टेंट डेली बनाना ट्रिकी जॉब क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ सोच रहा था तो मैं अगर दस दिन के बाद देखो हमें लगता है कि यार ये एजेंसी ने एक बोर्ड शेयर किया ये कल ही बना होगा वो छः छः महीने के पीछे प्रैक्टिस चल रही होती है तब जाके वो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं इसी तरह अगर इरफान माशा वेरी गुड वेरी जीनियस क्योंकि उसकी जो खास स्टाइल है आ, पिक्चर प्रोसेस का वो उससे लगता है कि ये इरफान का शॉट होगा ठीक है ना उसका जो माइंड उसका जो आर्ट क्योंकि वो दिखाता है नेचुरली रैंडम बाहर जितना भी शॉट है और वो यंगस्टर्स के लिए बहुत कीन होता है कि आप एक कैमरा उठाएं और बाहर निकल जाएँ आपको दस असिस्टेंट नहीं चाहिए आपको मॉडल्स नहीं चाहिए आपको कुछ नहीं चाहिए वो इस तरह की फोटोग्राफी करता है यंगस्टर्स के लिए इसीलिए यंग में

हाँ भाई पूरा रेडी है ये हाँ है, हाँ then I will shoot. हाँ Otherwise, मैं कैमरा हाँ और ये पिक्चर अच्छी है पे की ले लूं लू, हाँ मैं तस्वीर ले आउटडोर्स मैं हाँ बाहर अपरियाज में हूँ जिसमें खूबसूरत सीनरीज है आप के में, सदर में खड़े सदर में भी हूँ सीनरीज में भी हूँ हाँ भी हूँ यू आर एजॉइंग योरसेल्फ जस्ट जस्ट हाँ, मैं अपनी इन्जॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को और प्लस मुझे इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है सुपर कूल cool. क्योंकि वो इरफान उन चीज़ों से इंटरेस्ट कैप्चर करके दुनिया को दिखा रहे खूबसूरती वो लेकिन मैं ऐसा प्रो चीज़ें जो थी ना कि जैसे मुझे एक कंट्रोल चीज़ मिल गई मैं आ गया उस जॉब पे वो मैंने डिलीवर किया अब खत्म अब मैं इस चीज़ को इन्जॉय करूँगा अब मैं बीच पे गया हुआ हूँ मैं अब नॉर्थ गया हुआ हूँ अरे कहीं भी मैं इंजॉय करूँ लाइफ को मैं उनकी तस्वीरें क्यों लूँ मैं एक नेट पे बटन दबाने के बाद मैं वो तस्वीरें एक लाख देख लूँगा

तो हम हमेशा ये इमेज होता है तो फिर मतलब उसको कैमरा किसी भी इन्वामेंट में दे तो फोटो खींच लेगा ये अच्छा नहीं लोगों को अच्छा मैं बताऊँ देखो मना जिस तरह हम लोग शूट कर रहे होते हैं सेट्स के ऊपर और तो उसमें क्लाइंट जिसने बड़ा बजट है ना लगाया हुआ है शूट जी. किया हुआ है अभी भाई, भाई जी भाई एजेंसीज हाँ. अपनी नंबर्स करने होते हैं ना अभी भी वो क्लाइंट आया हुआ है तो उसके तरह पोर्ट्रेट हो जाए तस्वीरें क्लाइंट का पोर्ट्रेट ले लो के ना वो ना मतलब वो अपनी पी आर सौ कोई हर्ज नहीं है नहीं कोई हर्ज नहीं है मैं मैंने कहा यार ये वाइट का गेस जो हमने शॉट बनाए हुए आप क्लाइंट को ले आए आपका भाई हाजिर है लेकिन आप नीचे सेट पे जाके बोलेंगे ग्रुप में ग्रुप तस्वीरें ले लें जो शादी की तस्वीर टाइप होता है सर मुझे माफ़ कर दें हाँ। वो मेरा ए डी बैठा हुआ जाके उससे करवा लें हाँ। क्योंकि मुझे उस एम्बियांस हाँ। में काम करने का मजा नहीं आता मैं चाहता हूँ मेरा जब शॉट हो रहा हो ना तो कंप्लीट मॉडल की कॉन्सनट्रेशन मेरे साथ होनी चाहिए ठीक है उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर्स टीवीसी का डायरेक्टर बैठा हुआ है डीओपी बैठा हुआ है गुस्से में यू नो कि भाई हम स्टिल फोटोग्राफर हटें क्योंकि उनको उधर आपको पता है ना पाकिस्तान में एक ट्रेंड डिफरेंट है कि आप साइमेंटेनियसली शूट काफ़ी डिफिकल्टीज होती है आपको अच्छा टीवीसी के साथ अच्छा हाँ ओबियसली दो मीडियम डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं मैं कहता हूँ अच्छी बात है होती है क्योंकि वो उनका गेम है यार डायरेक्टर्स ने पूरा हलवा तैयार किया है ये एजेंसीज का ब्लैंडर है कि उसमें फोटोग्राफ़र को ज़बरदस्ती पुश किया जाता है और उसको बोलते हैं यार ये शॉट लो और वो जो बेचारा डीपी जिसने प्रॉपर लाइटिंग की हुई है शूट हो रहा है अब मेरे पीछे कोई फोटोग्राफर ठक 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 कर रहा है। मैं शूट कर रहा हूँ तो यार मैं यारटेड तो होगा बेजार हो गया हाँ, हूँ तो मैं उसको यूँ देखूंगा ना तो वो चीज़ें मैं एजेंसीज को पुश यही करने लगा अब मेरी मीटिंग्स में ये होता है काजी कि यार प्रिंट मीडियम अलग है बॉस टीवीसी अलग है अलग है ठीक है दोनों को डिफरेंट रखो अगर आप टीवीसी के साथ कर रहे हो तो उनके साथ एक लिंक बनाओ एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ एक टाइम को लो जैसे इंडिया में होता है जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र हाँ, किया हाँ। कि हर चीज़ रोक खूबसूरत डायरेक्टर्स हाँ। ने रोक दी देखो आधा घंटा दो उस बंदे को जैसे बाहर के मुल्क के लोग कर। दुनिया करती है यार हमारे मुल्क में नहीं होता हमारे मुल्क में यार थोड़े से लोग समझते हैं कि शायद हमारे गेम में ना हलवा खींच के लेके जा रहे हैं <laughs> समथिंग ये ये लेकिन मैं बताऊँ देखो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट तो क्लाइंट की है ना वो चाहता है कि यार एक सेट बना हुआ है इतना ग्रैंड सेट है जिसमें हमने लाखों का सेट बनाया हुआ है जिसमें हमारा टैलेंट बैठा होगा तो खूबसूरत लगेगा लेकिन फिर हम यू नो फोटोशॉप भी कर सकते हैं बैकग्राउंडस से शॉट ले लें वहाँ लगा दें लेकिन एजेंसी के पास आते हैं इतना टाइम नहीं होता आई नो आइडिया लेकिन एजेंसी नाराज़ हो रहे हैं कुछ हो लेकिन इज फेयर क्योंकि आप अगर होता यही है कि वाइट बैकग्राउंड्स के अगेंस्ट शूट जैसे क्रोमा ग्रीन पे लोग करते हैं हम लोग वाइट पे करते हैं सही अगर आउटडोर्स है तो आउटडोर्स करें या फिर आप प्रॉपर अलग स्टिल कोऑर्डिनेट करें hmm. टी एक दिन करें स्टिल्स की पोर्शन अलग करें, जो बहुत से you know, हो गए ये अलग से कोर्डिनेट कर सही देखो इज्जत के साथ फोटोग्राफी हाँ, हाँ, करें आपको पता आप कर है हाँ, कि उस दिन तमाम लोग आपके साथ हैं एक, एक, एक आठ डायरेक्टर्स को इज्जत दी जा रही है वो 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 देख रहा है तभी तो रिजल्ट नहीं है मुश्किल समझते थे ना जी जिसको जिसको बताने से थोड़ा सा कम हुआ है ना अब पहले था ना अब मैं कह देता हूँ स्टेट एवे बस मैं रनिंग नहीं कर रहा यार डूड। ये मेरा एडी है ये रनिंग करेगा कर, स्टिल्स जो है मैं अगर आपको स्टिल्स करवानी है सेट के ऊपर आप डी ओ डायरेक्टर से परमिशन लें प्रोड्यूसर से परमिशन लेंगे मैं क्यों करूँ यारे मैंने जो आपसे पहले जिक्र किया था मैं क्यों खामा खा जो मैंने एक ब्लेंडर किया था मैं दोबारा ब्लैंडर क्यों करूँ आप गेम बनाए मैं हाजिर हो जाऊंगा मैं ना नहीं कर रहा हाँ। I do it. हाँ। क्योंकि ये मेरी जॉब है हाँ। लेकिन क्योंकि वो जॉब अगर वही शॉट आप वाइट क्यों लोगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है देखो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि दोनों डिफरेंट मीडियम्स हैं और प्रिंट्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उस आएसओ पुश शॉर्ट्स के ऊपर जहाँ से आप समझते हो आप यूज करोगे आप यूज नहीं करते आई भाई पता है क्या थिंक मसला यहाँ पे आता है कि जो लोग बैठे हुए होते हैं ना टॉप पे दे हैव नो अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग देव नो अंडरस्टैंडिंग उनको समझ नहीं आता कि फोटोग्राफी में कितने वेरिएबल्स होते हैं उनको लगता है एक बंदा एक कैमरा है और लाइटें और से लाइटें सेट होंगी खींचेगी हाँ, हाँ, और उनको एंड देव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर वीडियोग्राफी इधर तो अब इसमें जो है जाहिर है उनको पैसे तो वो लगा रहे हैं पैसे उनके पास हैं जिसके पास पैसा है वो बॉस है सही है लेकिन थोड़ी अपने आप को अगर वो एजुकेट कर लेना कि भाई ये आखिर में अगर इफ़ एक्स वाई ये हुआ वह और, और इफ़ आबिद सलीम में हुआ वाइज बीग अपसेट इट्स बिकॉज दे वांट टू गिव यू द बेस्ट प्रोडक्ट ठीक है आप तो घर नहीं लेके जा रहे हो ना इन चीज़ों को यही तो मैं उनको बोलता हूँ या जितनी गहरी बात की है यही वर्ड मैं बोलता हूँ मैंने कहा बॉस मैं तो इसको देखता भी नहीं हूँ ना मैं उस डायरेक्टर डीओपी से यही बात करता हूँ कि मैं क्योंकि अब स्लाइटली एक दो पिक्चर्स हम निकालते हैं वो भी हम वाइट कैकेस निकालते हैं जिसमें मेरी लाइट हुई हुई है मेरी क्रिएटिविटी है ठीक है ना क्योंकि उसके अंदर मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं है वो सारा तो गेम उनका है वीडियोग्राफी वालों की पूरी लाइटिंग हाँ, फिक्स उनकी हाँ, हुई हुई हाँ, है हम तो बीच में जाते हैं पुश ठक टक टक शॉर्टली आगे लाइटिंग ही नहीं है सही कहते हैं वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं ये चीज एजेंसीज को समझ नहीं होगी क्योंकि या तो आप रनिंग फोटोग्राफी करवाएं तो उसके साथ ही कोई और पैनल रखें जो बेचारा पीछे से छुप छुप के तस्वीरें बनाता रहे यहाँ से किसी को इशूज ना और या आपको नहीं करवानी तो आप वाइट के अगेंस्ट करें जैसे गोरे करते हैं यार मेन केविस चार करें और क्लाइंट को भी समझाएं भाई अकल करें थोड़ा सा कि भाई वो ही प्रिंट होते हैं बेचारे फोटोग्राफर्स को लगा दिहाड़ियों की तरह सारे दिन ठक 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 डायरेक्टर की मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ डी ओ की बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ वो सही कहते हैं बॉस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और ये एजेंसीज को समझना होगा मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ मैं उनको भी सेट पर भी बोलता हूँ सीरियसली मैं सेट पे भी बोलता हूँ मैं इस पर भी बोल रहा हूँ उनको कि यार आप क्लाइंट से खुद डिस्कस कर लो ना अब अब मैं बताऊँ वैसे सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट समझ भी, हाँ, तो भी गए हाँ, आप लोग बताने से होता है ना हाँ। का जब तक आप नहीं लड़ोगे ना हाँ। आप राइट नहीं ले सकते अपने नहीं। आपको अगर आप राइट अपने ले लें तो ये राइट मुझे ना पता बैंकॉक से मिले मेरा एक असिस्टेंट है बड़ा मज़ेदार वेरी वेरी मजेदार मतलब मैं कहता हूँ कि जबरदस्त इंसान वो है मिस्टर जैक न्यू ऑल जैक ओके वेरी फेमस आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा तमाम पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स उसके साथ ही करते हैं तो उसने मुझे बोला था अभी दिस इज़ नॉट योर जॉब नो रनिंग फोटोग्राफी यू जस्ट शूट वो जैसे थाई उनकी लैंग्वेज होती आ, है कि ये मेन शॉर्ट्स का यही मतलब यहाँ तक है कि वो बंदा जब मैं इंटरनेशनली शूट्स पे मैं हज करके आया तो माशा नमाजी पाँच वक्त का तो वो वहाँ शूट कर रहा था मैं तो उसको पता था ये प्रे टाइम हो गया तो उसके दौरान मुझे हर वक्त मैं भूल जाता था शूट में इतना मगन फैशन शूट्स कर रहा था

यार दुसरे, ये दूसरे बंदे को इज्जत देना लाजमी देखो मैं बताऊँ इंसानियत की जीत है ना फॉर एग्जाम्पल मैं जैक का नाम क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे भी दस होंगे यहाँ पे भी वहाँ पे भी पचास होंगे मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि उसकी एक इंसानियत की खिदमत जो करता है जैसे उसकी जॉब के साथ साथ वो आपको फुल सपोर्ट करता है और आपके रिलीजन्स को लाइक करता है वो आपके रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं है तो इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आज डिस्कस कर रहा उसका नाम यहाँ ले रहा हूँ इसकी वजह यही है कि मैंने आपसे पहले भी कहान करे आप तो रसोलम की अगर आपकी इज्जत कम हो जाए तो मुझे वहाँ से ले लीजिए तो आप समझ जाए इससे इससे हम कुछ नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं बोल सकते इसी हदीस पे थैंक यू बोला था आई वाज सो सरप्राइज्ड at uh, how quickly uh, you said, and this is, I'm not saying anything bad about anyone else, but I was so surprised that you said, yes, I'll come. Okay, and, and yeah, I think... really an honor. By the grace of Allah, the side of basings and the way you're doing it, Allah Ta'ala, I wish you all the best. Ameen. I Allah will have mercy. But people of your stature don't do that. And so I think that is also, I, I would think, one of the reasons for your success, ke, you know, because you are the way you are, and... Uh,

आबिद सलीम आ, मैं लिंक भी डाल दूंगा और कुछ है नहीं बस बस उसी भी डालेंगे फेसबुक हाँ। तो मैं खत्म करता हूँ यूट्यूब यूट्यूब ने अभी नहीं खोलू ना तानी नहीं यूट्यूब स्टार्ट करना भाई ये किया था उसने फिर उसने रोक दिया क्यों पता नहीं क्या है हम लोग ज्यादा अच्छा मैं मैं पॉडकास्ट के बाद ये बात करते हैं <laughs> जी क्योंकि क्योंकि फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स आर आर अ बिग थिंग Okay. आपके लिए आपके तो 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 आपने नहीं नहीं नहीं। मुझे भी बोला रहा है इसको बताना ये, मैं, ये, ये मैं, इसी से बात करता हूँ फिर हाबिद सलीम काजी अकबर असला थैंक यू सो मच सर